हिस्ट्री की बुक मुझे आपकी मिल रही है अभी, तो ये बाद में देखते हैं। सूरज, सूरज जी मुझे सर, लगा आ रही है सर, हाँ बिल्कुल आ रही है सर। कल क्लास में नहीं थी शायद आप, क्या ये सर मैं कल नहीं था सर। हुआ? क्लास को थोड़ा रेगुलर करिए, अदरवाइज अगर एक भी चीज छूट जाएगी आपकी तो पीछे हो जाएंगे, कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत, आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? 10 मिनट अभी दिख रही है। यस सर। ओके चलिए, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करनी है, उससे पहले यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज को मैं देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज में बेसिकली कुछ नहीं है, आर्टिकल 1 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें तीन तरह के जो टेरिटरी है इंडिया की वो डिफाइंड है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और जो अलग टेरिटरी जो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी आगे फ्यूचर में एक्वायर कर सकती है। तो अभी जो हमारे जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में कोई बताएगा कितने स्टेट्स और यूटीज हैं हमारे यहाँ पर? 28 स्टेट एंड 8 यूटी, 28 9 यूटी है सर, 9 यूटी 8 यूटी, को कल भी तो 8 एट हैं, 8 यूटी एट हैं, 9 हो गई थी लेकिन अब 8 रह गई, 9 मर्ज हो गई। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे यहाँ पर अभी करंट में, ठीक है। 28 है सर, 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है जी। 1900 ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम को 1975 में एक्वायर किया गया था, किसी को याद है जी सिक्किम को कब एक्वायर किया गया था? सर, ठीक है चलिए वो बाद में देखेंगे। इसमें 9 दिया हुआ है क्या, अभी रिसेंटली कोई चेंजेस हुआ है क्या? हाँ आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी चेंज हुआ था कुछ, वो पुरानी है सर। हाँ हाँ रिसेंट में ही हुआ है, इसको 8 रखिए आप, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी जो यूनियन टेरिटरीज है 8 है और 28 हमारे राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी बेसिकली हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो डेमोक्रेसी है इसमें एक स्पेशल ये माइक ऑफ कर लीजिए अपना। जो हमारे यहाँ राज्य है बेसिकली, राज्य एक फेडरल सिस्टम के थ्रू आते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि अलग अलग पावर्स शेयरिंग हो रही है, सेंटर की अपनी अलग पावर है, स्टेट की अपनी अलग पावर है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको कंट्रोल करती है, उनको बेसिकली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज भी बोला जाता है। तो जो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली ये मोर प्लस सेंटर के अंडर आता है। तो एक तरह से ये हमारा जो फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म, उसमें एक डिपार्चर है, क्योंकि हम राज्यों के साथ तो पावर शेयर कर रहे हैं, राज्यों का एक अपना लेजिस्लेचर है, अपना सब कुछ है, एक स्टेट अपरेटस है, गवर्नेंस का अपरेटस है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज सीधा सेंटर के अंदर आ रही है। अभी क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कब कब क्यों क्यों कब कब बनी ये थोड़ा देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1956, दिल्ली 1956, लक्षद्वीप 1956, तो DAL तीन यूनियन टेरिटरीज 1956 में बनी है। दादरा एंड नागर हवेली 1961, दमन एंड दीव 1962, पुदुचेरी 62, चंडीगढ़ 1966। तो बेसिकली 56 से लेके 66 तक हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज है, स्टार्टिंग में अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड लक्षद्वीप, सेकेंड दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी एंड देन चंडीगढ़, लेटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनी है, ठीक है।
अभी यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट क्यों किया जाता है? यूनियन टेरिटरीज बेसिकली इनकी कुछ डायमेंशन है, जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हम यूनियन टेरिटरीज बना देते हैं, उनकी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस होती है, उनका कल्चर थोड़ा अलग होता है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार हमारे इंडियन ओशन में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उनकी, स्पेशल ट्रीटमेंट जोन होता है, कुछ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल्स होते हैं वहाँ के, उनके लिए बना देते हैं। तो बेसिकली कुछ स्पेशल कंसिडरेशन को रखते हुए यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं, बहुत छोटे एरिया होते हैं, उनके लिए स्टेट ऑपरेटर्स नहीं बनाया जा सकता, पॉपुलेशन कम होती है, बहुत सारे कंसिडरेशन है, ज्यादा जानना नहीं, खाली इतना यूनियन टेरिटरीज की जो ये ईयर्स है इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, एनालिसिस में थोड़ा जरूरी होता है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को बनाया गया है, ये सब छोड़िए ज्यादा अंदर नहीं जाना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बेसिकली जो हमारे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति एक स्पेशल ऑफिसर जिनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, उनके थ्रू यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं। अभी जो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको कई मतलब यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली, दिल्ली और आपके अंडमान एंड पुदुचेरी, दिल्ली अंडमान एंड पुदुचेरी DAP, इसको ऐसे याद रखेंगे, DAP में लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हो रहा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि DAP दिल्ली अंडमान एंड पुदुचेरी में तो हम इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं, जो प्रेसिडेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, और गवर्नर बोलेंगे अब तक दिल्ली और पुदुचेरी में ही तो थे सर, अंडमान में कब थे कौन जो आप बता रहे हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले, मतलब प्रशासक उसमें तो प्रशासक होते हैं वो, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर प्रशासक होते हैं। हाँ सर, नहीं जहां तक मेरे न मुझे याद आ रहा है कि 3 DAP के मैंने नाम से याद किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैंने अंडमान निकोबार का सुना नहीं सर कभी, इसीलिए चेक कर लेंगे एक बार इसको फिर से, पर मुझे याद है कि DAP से मुझे याद आया एकदम से, और जम्मू कश्मीर लद्दाख सर DAP ही है। हाँ जी सर, DAP ही है, एक बार देख लेंगे इसको, आप कह रहे हैं अंडमान में नहीं होता शायद, अंडमान में है सर, ओके सर मैं देख लूंगा, कोई गूगल करके बता दे अभी अगर हो सके सर, देवेंद्र कुमार जोशी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है कंफर्म DAP से ही अंडमान। और पता है ये DAP से मेरे को क्यों याद है, क्योंकि सर्विस होती है ना, चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटर उनको कहाँ बोला जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर बोला जा रहा है चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन दीव एक हो गया एंड लक्षद्वीप, ठीक है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बोला जा रहा है। अभी इस जो हमारे राष्ट्रपति है वो अपॉइंट कर सकते हैं दूसरे राज्य मतलब किसी राज्य के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर की, अगर कोई आसपास की जो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है उसके लिए भी। अभी पुडुचेरी में 1963 और दिल्ली में 1992 और जम्मू एंड कश्मीर 2019, इन सबके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली पुदुचेरी के पास है यूनियन टेरिटरीज में, उसके बाद दिल्ली 1992 और अभी जम्मू एंड कश्मीर, 3 यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अभी देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद जो है, जो हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज है इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो सही, बट संसद किसी भी सब्जेक्ट पर जो भी हमारी 3 लिस्ट है यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बना सकती है संसद, लेकिन इनके साथ साथ जो हमारी ये जो यूनियन टेरिटरीज की जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होगी विधानसभा होगी वो भी कानून बना सकती है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली
दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड पीपीएल। पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड के अलावा दिल्ली गवर्नमेंट किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी वो किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम पर कानून बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट के भी। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है वो भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लिस्ट के कानून बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ठीक है, यहाँ पर लैंड नहीं है, लैंड के ऊपर भी बना सकती है, एक्सेप्शन में खाली पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस है। और दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड भी है एक्सेप्शन में, कि ये तीन चीजों पर यहाँ की गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। प्रेजिडेंट जो है हाई कोर्ट स्थापित करवा सकता है यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, वो बोल सकता है कि किसी एडजॉइनिंग एरिया के किस यूनियन टेरिटरी में किस हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा। जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसका जुरिसडिक्शन है दादरा नगर हवेली दमन दीव और आपके जो अंडमान चंडीगढ़ लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ये है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर, कलकत्ता पंजाब हरियाणा केरला मद्रास। ठीक है, मतलब जो जिस एरिया के पास है उसका जुरिसडिक्शन वहां पर है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अंडमान एंड निकोबार का जो जो का एरिया है उसके ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। ठीक है, चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। लक्षद्वीप केरला के पास है तो केरला का जुरिसडिक्शन है। पुदुचेरी पर मद्रास हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के ऊपर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का जुरिसडिक्शन हो। स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, अभी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसमें स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। और तो बेसिकली जो दिल्ली है उसको दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जा रहा है, और वो यहाँ पर दिल्ली की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसको हेड कर रहे हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली में दिल्ली की असेंबली आपको पता है 70 सीट है, ये सब छोड़ दीजिए। पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड के अलावा किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पर सब्जेक्ट पर दिल्ली गवर्नमेंट कानून बना सकती है। यहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 10% फिक्स है टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दिल्ली का जो मंत्री है मुख्यमंत्री है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? सर गवर्नर। अभी याद रखेंगे यहाँ पर जो शपथ है वो भी राष्ट्रपति। ठीक है, जो यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं वो राष्ट्रपति कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को। दूसरे मंत्री भी दिल्ली, मतलब दिल्ली में जो दूसरे मंत्री उनको भी अपॉइंट किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। सर ओथ कौन देता है फिर चीफ मिनिस्टर को? ओथ कौन देता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को? ना आई थिंक ओथ तो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिलवाई थी जहां तक तो मुझे याद है। यस सर उन्होंने, अनिल बैजल ने ही दिलाई थी शायद। प्रेसिडेंट अगर उनको अपॉइंट करा रहे हैं तो ओथ का कन्फर्म नहीं है, देख लेंगे इसको ना। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, जैसे एड एंड एडवाइस किस में है? एड एंड एडवाइस बताएगा कोई, कौन सा आर्टिकल था एड एंड एडवाइस के लिए, सलाह के लिए कौन सा एडवाइस था लास्ट जो आफ्टर 74 था। 74 सर। 74 और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी 75 का सी सी इंडिविजुअल 75 का बी 75 क्लोज टू जी सर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो उन मैटर पे उनकी सलाह मानेंगे जहां पर उनका डिस्क्रिप्शन ना हो, वो सब पता है आपको, छोड़ दीजिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब रिसेस हो, जब असेंबली काम ना कर रही हो। ऑर्डिनेंस सेम इफेक्ट होगा, ऑर्डिनेंस को 6 वीक के अंदर करना है अप्रूव, सब आपने जाना हुआ है।
याद रखेंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जब हमारी असेंबली डिसॉल्व है या सस्पेंडेड है तब प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस नहीं कर सकते, अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जब डिसॉल्व हो रखी है सस्पेंड हो रखी है, डिसिस है तभी करेंगे। और जो अध्यादेश है उनको विड्रॉ कब किया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन चाहिए, तो स्पेशल दिल्ली के केस में याद रखेंगे, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में बेसिकली यही है जो आपको छोटा सा बताया है कि कितने हैं, कब बने, दिल्ली का स्पेशल प्रोविजन है तो क्या है। अभी आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर है आपको बता दिया, डीएपी, बाकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, हाई कोर्ट किस किस यूनियन टेरिटरीज पर किस ज्यूरिसडिक्शन, किस हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन पब्लिक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड के अलावा बाकी स्टेट चीजों पर कानून बना सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के एक हेड है बट उनको एड एंड एडवाइज करेगी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुछ स्पेशल रोल है बट सब्जेक्ट टू स्पेशल कंडीशन, जैसे प्रेसिडेंट की उनको प्रायर परमिशन लेनी होगी अगर ऑर्डिनेंस मूव करना है तो। इनके बीच में डिफरेंस दिया क्या, पढ़ लेंगे, बता ही दिया, यही है बस, इतना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 239A स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, एक मेंस में कई बार क्वेश्चन आया 239AA पर स्पेशल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको सब पता होगा। बेसिकली ये अभी केजरीवाल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी ठन गई थी तो उस पर कई बार केसेस हुए हैं और मेंस में क्वेश्चन भी आए हैं दो बार। तो 239AA ये दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन है इसके लिए है, 239 यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, बस बाकी ये और सब छोड़ दीजिए, दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उन ट्राइबल पॉपुलेशन को हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते जैसे हम बाकी एरियाज में कर रहे हैं, बाकी जैसे यूपी में है, एमपी में है, कुछ एरिया जहाँ पर जनरल पब्लिक रहती, नॉर्मल पब्लिक रहती है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन से उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका रहने का तरीका डिफरेंट है, खान पीन सब चीज, कस्टम कल्चर रहना भी सब कुछ डिफरेंट होता है। तो ट्राइबल एरियाज के लिए हमारे संविधान में दो शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 5th एंड शेड्यूल 6th। शेड्यूल 5th और 6th बताता है कि इन ट्राइबल एरियाज में जहाँ पर ट्राइबल एरिया जो शेड्यूल एरियाज में वहाँ का जो गवर्नेंस है वो कैसे होगा। तो ट्राइब जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली डील करता है शेड्यूल एरिया से और सिक्स शेड्यूल जो है वो डील करता है ट्राइबल एरिया से। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिफ्थ शेड्यूल जो है वो बेसिकली ये दोनों ट्राइबल पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, पर जो सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल में 4 राज्य हैं जो ज्यादा ही ट्राइबल है, मतलब जो ज्यादा अब तक शाही है, जो एबोरिजिन है अब तक, जिनका एंथ्रोपोलॉजिकल एक लेवल में काफी नीचे स्थान है, वो अभी तक एडवांस नहीं हुए, तो ये मोर ट्राइबल है। तो सिक्स शेड्यूल में बेसिकली 4 राज्य हैं, ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम के कुछ एरियाज हैं जो सिक्स शेड्यूल में आएंगे। और आपके शेड्यूल एरियाज में आपके अभी इस टाइम शायद 10 राज्य हैं जिनके कुछ एरियाज को ये शेड्यूल एरियाज बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल 244(10) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के रिगार्डिंग बात करता है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। शेड्यूल एरियाज बेसिकली जैसे मैंने आपको बता ही दिया डिफरेंट है, ये सब ठीक है, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, अभी कोई एरिया किसी राज्य में शेड्यूल एरिया कैसे होगा ये डिक्लेयर करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं कि कोई एरिया किसी राज्य में शेड्यूल एरिया होगा या नहीं, उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, एरिया को हटाना बढ़ाना है, ये सब किया जाता है गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। तो कोई पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर होगा, उनसे कंसल्ट करके उस एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया राष्ट्रपति ने। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर, जो हमारे राज्य है और केंद्र की जो विधायक जो आपकी ये एग्जीक्यूटिव पावर है
वो कैसे एक्सटेंड होती है शेड्यूल एरिया में। तो गवर्नर जो है यहाँ के, जो किसी स्टेट के, अगर मानते हैं कि उड़ीसा है, उड़ीसा में कोई शेड्यूल एरिया है, तो वहाँ के जो गवर्नर है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एरिया को गवर्नर की गवर्नर कैसे गवर्न कराते हैं। बेसिकली जो ये गवर्नर होता है, गवर्नर जो सेंटर और स्टेट की जो ये पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ मतलब कोई कानून वगैरह उसमें अल्टर कर सकते हैं उस एरिया के रिगार्डिंग। गवर्नर जो है, गवर्नर को एक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है राष्ट्र एनुअली या फिर जब भी राष्ट्रपति कहे, उस एरिया के गवर्नेंस रिगार्डिंग, कि उस एरिया का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, हर राज्य में जहां पर शेड्यूल एरिया होता है उनको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली सलाह मशवरे के लिए होती है शेड्यूल ट्राइब का जो इस एरिया में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, टीएसी में 20 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर्स, टीएसी 20 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर्स में से 3/4 शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी वहां की ट्राइब्स है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये इसका एक फ्लो भी है कि जो वहां के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है उनको ही इसमें 3/4 में जगह दी गई है। अच्छा, कल हमने वो पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, याद है किसी को कितने मेंबर्स थे उसमें? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पढ़ा था हमने, याद है किसी को कुछ? यस सर, बताइए क्या था वो? सर 4/5 मेंबर थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर। 4/5 मेंबर जी। 4/5 मेंबर कौन से? और अर्बन एरिया के मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग 4/5 मेंबर इसमें आते हैं। एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी भी थी, उसमें कितने मेंबर्स थे और कौन से मेंबर्स थे? उसमें 2/3 मेंबर्स थे, इसमें 4/5 थे और उसमें 2/3 थे। बाकी याद नहीं आ रहा किसी को? एक बार देखिए, आपको मैंने स्पेशली बताया था कि इस पे वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 20 मेंबर है, 3/4 उस एरिया की जो वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए शेड्यूल ट्राइब के। लॉज एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज, गवर्नर जो है वो एम्पावर्ड है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कि वो अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। गवर्नर अगर कोई शेड्यूल एरिया है तो उस राज्य में जो शेड्यूल एरियाज है, अगर उस राज्य या संसद का कोई कानून है तो गवर्नर वो डिक्लेयर कर सकता है कि वो कानून वहां पर लगेगा या नहीं लगेगा, या लगेगा तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा। मतलब संसद या राज्य ने एक कानून बनाया तो उस कानून को शेड्यूल एरियाज में इम्पोज करवाने की जिम्मेवारी गवर्नर की है, वो उसमें चेंज करवा सकता है, उसको बोल सकता है वहां पर लागू नहीं हो। अब इसमें लिखा है कि ए रेगुलेशन में रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विच इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया, बट ऑल सच रेगुलेशंस रिक्वायर्स द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट होना जरूरी है कोई भी अगर ऐसा रेगुलेशन बनाया जा रहा है जिससे कि संसद या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट अमेंड या रिपील कर रहा है तो शेड्यूल एरियाज में, तो राष्ट्रपति का एसेंट होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, हमने देखा जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया बेसिकली एक स्पेशल एरिया है, प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करेंगे, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल स्टेट की वो लगती तो है वहां पर, बट गवर्नर के पास स्पेशल पावर है, वो किसी लॉ को मॉडिफाई कर सकता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, 20 उसके मेंबर है,
3/4 members tribal advisors और scheduled tribes से आएंगे जो वहाँ के representative होंगे वहाँ से. और अगर कोई अगर एक ऐसा regulation बना रहे हैं कि जिसमें कोई parliament राज्य की विधायी शक्तियाँ या कोई act वहाँ पर amend हो रहा है या repeal हो रहा है तो उसके लिए president का assent होना जरूरी है. प्रेसिडेंट जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन को अपॉइंट करेगा शेड्यूल एरियाज के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, उनका वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा. तो इसके लिए एक पहला जो कमीशन था वो अपॉइंट किया गया था 1960 में. उसके हेड थे यूएन देभार. देभार कमीशन बोला जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. यूएन देभार 1961 में बना था, पर इंडिया चाइना वॉर से पहले यूएन देभार कमीशन ट्राइबल वेलफेयर के ऊपर बना था, राष्ट्रपति ने बनाया था और इसने अपनी रिपोर्ट दी छोड़ी है. उसके बाद एक कमीशन और बना दिलीप सिंह भुरिया 2002 में. दिलीप सिंह भुरिया 2002 में बना था, दिलीप सिंह भुरिया देभार कमीशन 1961 में. याद रखेंगे पहला ये जो ट्राइबल कमीशन था देभार, दूसरा दिलीप सिंह भुरिया डी एस भुरिया. जैसे हमने देखा भी शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल एरियाज के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं. शेड्यूल एरियाज के अलावा हमारे जो ये ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज कौन कौन से राज्यों में बता दिया आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. यहाँ क्यों है, क्योंकि इनकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमैन के हिसाब से अब तक काफी नीचे है. उनका कल्चर इतना अभी डेवलप नहीं है, वो मतलब कल्चर डिफरेंट है, सॉरी डेवलप नहीं बोलेंगे. तो सिक्स शेड्यूल का जो एरियाज है वो बेसिकली कैसे होगा इसमें हमें बताया गया है. जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की तरह बनाया गया है. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उससे बाहर है. तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रही है, ठीक है. जो हमारे गवर्नर है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बनाने की पावर और रीऑर्गेनाइज की पावर गवर्नर की है. और हमारे शेड्यूल एरिया को कौन बना सकता है, राष्ट्रपति. हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसकी 30 मेंबर होंगे, ठीक है. हमारे जो शेड्यूल एरियाज थी वहां पर टीएसी थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. हमारे सिक्स शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं लग रही है. और हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होंगे, ठीक है. 4 को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और 26 को इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू. 5 साल का इनका कार्यकाल होगा. अच्छा, ऑटोनोमस रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ साथ एक रीजनल काउंसिल भी होगी. डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है जो बेसिकली वो जो उनका जो भी ज्यूरिसडिक्शन है, जो पर्टिकुलर एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उसको ये एडमिनिस्टर करेगी. वो लॉ बना सकती है, कानून बनाएगी, किस में किस किस मैटर में, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, बेसिकली जो जो हमारे पर्सनल और जो थोड़े बहुत जो कंसिडरेशन है, जो मतलब सोशल इशूज है, उनके ऊपर ही कानून बना सकती है. तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल जो है इन 4 राज्यों में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होंगे उनके लिए कानून बना सकती है कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के ऊपर. लेकिन ये सारे कानून को बनाने के लिए गवर्नर का एसेंट जरूरी है. तो गवर्नर के एसेंट के साथ ये इन पर कानून बना सकती है. जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है वो अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में विलेज काउंसिल और कोर्ट्स लगा सकती है. किसके लिए, जो भी मतलब वहां पर केसेस वगैरह होंगे उनको सुनने के लिए और उनको डिसाइड करने के लिए. तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के पास स्पेशल पावर है कि वो
जो आपस में जो उनके केसेस हैं पेटी केसेस उनको हियर कर सकती है, सुन सकती है और उनके ऊपर डिसाइड कर सकती है। सॉरी अभी ठीक आपको दिख रहा है अभी सब? सर आप हाईलाइट करके पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाईलाइट एक्चुअली मुझे भी, मैं तो बस देखता हूँ कि क्या लिखा है फिर अपने आप से ही बताता हूँ जो मेरे को पता है। तो हाईलाइट में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को फिर वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो आप बताइए हाईलाइट का इस्तेमाल करूँ? रहने दीजिए तो सर, लेट्स सी, थोड़ा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हाईलाइट का मुझे पता भी नहीं कहाँ होता है हाईलाइट, इसमें मुझे नहीं पता है। सर ये ना अगर लैपटॉप में रहते आप तो अच्छा होता है। ये एनोटेशन लिखा सर यहाँ पे फाइल, सर एनोटेशन, वो एनोटेशन था ना सर वहाँ पे होता, वो नहीं डार्क टैप करके भी कर सकते हैं सर। राइट ना, ठीक है। ओके नहीं चल रहा है तो हाइलाइटर नहीं हो पा रहा है, रहने दीजिए सर। तो ठीक है छोड़ते हैं सर, ऐसे ही सही। अरे ये क्या हो गया, इसको हटाएंगे कैसे? यस सर, सर ये सर वहां पे अंडू का ऑप्शन नहीं है। सर ऊपर देखो, ऊपर एक वो होगा क्या कहते हैं यू टर्न टाइप का होगा, उसे करो ऊपर। डन लिखा है यहां तो, नहीं नहीं टर्न के बगल में नहीं है, टर्न के ऊपर, डन के साथ, डन के साथ वो सेविंग का ऑप्शन है एक्चुअली। नहीं नहीं सेविंग के बगल में, सेविंग के बगल में डन है, सेविंग के बगल में एकदम। ओके ठीक है, लीव लीव। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, इनके पास स्पेशल पावर्स है, ये कोर्ट की तरह सुनवाई कर सकती है कोई भी केस में। गवर्नर डिसाइड करेंगे कि जो ये ज्यूरिसडिक्शन है जो हाई कोर्ट का, इनके ऊपर कौन कौन सा होगा, जो मतलब जो भी यहाँ से केसेस जाएंगे अगर वो किसी हाई कोर्ट में जाने तो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये प्राइमरी स्कूल डिस्पेंसरीज ये सब काम करती है जो भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। रेगुलेशन बनाएगी कि कैसे कंट्रोल ऑफ मनी लैंडिंग होगा, ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है ये आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो सिक्स शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये रेगुलेट करती है मनी लैंडिंग को उस एरिया में, और बाकी जो नॉन ट्राइबल हैं उनके साथ कैसे ट्रेडिंग होगी। लेकिन ये सारे रेगुलेशंस के लिए गवर्नर का एसेंट होना जरूरी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है ये एम्पावर है एसेस और कलेक्ट करने के लिए लैंड रिवेन्यू, जो उस एरिया का जो लैंड रिवेन्यू है उसको ये एसेस करेगी और कलेक्ट करेगी और इम्पोज करेगी अदर टैक्सेस को। जो पार्लियामेंट और राज्य के जो भी एक्ट्स है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं होते, लेकिन अप्लाई होते हैं लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ जो किए गए हैं। गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे कमीशन को एग्जामिन करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है। गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को, रीजनल काउंसिल को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, इतना ही है। तो बेसिकली हमने देखा जो शेड्यूल एरियाज था वो अलग है, शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल ये जो सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल के अंदर एक अलग है हमारा जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और जो इसके अंदर सिक्स शेड्यूल के अंदर है यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, इनके पास स्पेशल पावर्स है, ये कुछ मैटर्स पर कानून बना सकते हैं लेकिन उनका एसेंट, गवर्नर से एसेंट होना जरूरी है। और ये वहाँ कुछ जैसे छोटे जो भी जो कुछ केसेस होते हैं उनको सुन सकते हैं कोर्ट की तरह, इनके पास बेसिकली स्पेशल पावर होती है। ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उसमें 30 मेंबर्स होंगे, 26 इलेक्टेड हैं, 4 नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। ठीक है, ठीक है, ओके सर, सर ओके सर, यस सर।
अभी चलते हैं आगे। पैसा एक्ट की फुल फॉर्म बताएगा कोई? पैसा ईयर बताएगा कोई? प्रिवेंशन बताइए। किसकी तो? पैसा एक्ट सर, प्रोविजन पंचायत राज का एक्सटेंशन था जो प्रोविजन। हाँ बिल्कुल, प्रोविजनल एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, शायद ऐसा ही कुछ था। बेसिकली वो बॉडीज हैं जिनका हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। उनके लिए प्रोविजन है, स्पेशल आर्टिकल्स है कि इस आर्टिकल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनेगी। उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है संविधान में, मतलब उनके पावर्स डिफाइंड है, तो उनका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, गवर्नेंस सिस्टम में। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बेसिकली जो संविधान में पहले से स्थापित है, संविधान में मेंशन है, उनको संवैधानिक बॉडीज बोला जाता है। इसके अलावा दूसरी होती है स्टेचुटरी बॉडीज। स्टेचुटरी बॉडीज कौन सी होती है? जो हमारे लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर जो बॉडीज को जो बनाएगा उनको स्टेचुटरी बॉडीज बोला जाएगा। ठीक है, जैसे नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, नीति आयोग आपका ये है स्टेचुटरी बॉडी थे। आपका एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था पहले, प्लानिंग कमीशन था, ये सारे स्टेचुटरी बॉडीज थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसको संविधान में आपकी स्पेशल आर्टिकल नहीं है, उसको संसद ने बनाया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बेसिकली आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका काम है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, फोर्थ लाइन, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो इलेक्शन है ये भी इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होता है। सर अगर कुछ इसमें जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कौन फाइंड आउट करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 57 और वाइस प्रेसिडेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, बाकी का आपका वो करेगा स्टेट लेजिस्लेशन ना। बाकी का कौन करेगा, क्या बोले सर आप? बाकी का आपका स्टेट लेजिस्लेचर, आई मीन सॉरी स्टेट हाई कोर्ट। अभी आप ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या ये वॉलंटरी प्रोविजन है, ये फिर कंपलसरी प्रोविजन है? कंपलसरी है। कौन से एक्ट में? 73-74 सॉरी अमेंडमेंट में। कौन से अमेंडमेंट में? 74 अमेंडमेंट था पंचायती राज। 74 है। 72 पंचायती राज, 74 नगरपालिका है। नगरपालिका 243 कंपोजिशन। आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 324 बोलता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल करेगा इलेक्शन को। उसका कंपोजिशन कैसे होगा? तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली इसमें लिखा है संविधान में कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन होगा उसके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे।
इट शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टू टाइम फिक्स. मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन तो होगा ही होगा, बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, उनका नंबर कौन डिफाइन करेगा? प्रेसिडेंट. तो इलेक्शन कमिश्नर की हमारे यहाँ पर नंबर्स डिफाइन नहीं है. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट और अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे. जब अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज ए चेयरमैन अपॉइंट, मतलब वो उनका रोल होगा, वो उस इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे. राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, जो इलेक्शन कमीशन को उसके काम में सहायता करेंगे. रीजनल कमिश्नर को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ध्यान रखिएगा, रीजनल कमिश्नर्स को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर के साथ. कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर डिटरमिन होगा राष्ट्रपति के द्वारा. ठीक है, तो चार पॉइंट है हमने देख लिए इलेक्शन कमीशन में. अभी 15 अक्टूबर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन होता था सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, मतलब एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था उसमें. लेकिन 1989 के बाद से प्रेजिडेंट ने दो इलेक्शन कमिश्नर को भी नियुक्त कर दिया है. ठीक है, तो उसको असिस्ट करते हैं. अभी 1989 में ही इन्होंने क्यों किया, क्योंकि 1989 में हमारी जो वोटिंग एज थी 21 से 18 हुई थी. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था बताएगा कोई? 61st 1989. बिल्कुल सही, 1989 में हुआ था. उसमें हमारी जो एज थी, वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी. इलेक्शन कमीशन पे काम बढ़ गया, काम बढ़ने के साथ ही राष्ट्रपति ने तो इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर दिया एडिशनल. तो हमारी मल्टी मेंबर बॉडी बन गई 1989 के बाद से. 1989 ईयर इंपोर्टेंट है. में इसको अबोलिश कर दिया गया, फिर से सिंगल मेंबर बॉडी हो गई. लेकिन 1993 में प्रेसिडेंट ने फिर से दो इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर दिया, और तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ मल्टी मेंबर बॉडी है, तीन इलेक्शन कमिश्नर है. ठीक है, इन सबकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी इक्वल पावर्स है, सैलरी इक्वल है, सब कुछ अलाउंसेस इक्वल है, और इनका स्टेटस जो है ये सब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी तरह है. ठीक है, जो उनकी एज है, वो जो एज लिमिट है 65 साल और 6 साल, तो 6 years और 65 years तक वो अपना जो ऑफिस है उसको ग्रहण करते हैं. उनका टेन्योर जो है 6 साल का होता है और 65 साल, दोनों में से जो भी पहले आएगा उनको रिजाइन, वो रिजाइन भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से. ठीक है, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? शायद राष्ट्रपति को ही देते होंगे. रेजिग्नेशन का इसमें लिखा नहीं है, बट शायद राष्ट्रपति को देते होंगे, देख लेंगे इसको एक बार. ठीक है, आगे चले. यस सर. ओके सर. स्पीकर किसको देते हैं रेजिग्नेशन अपना? राष्ट्रपति को या चीफ डिप्टी स्पीकर? डिप्टी स्पीकर. डिप्टी स्पीकर. ओके ओके. इंडिपेंडेंस, जो हमारा आर्टिकल 324 है, वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उसके, जो हमारे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और फंक्शनिंग को, मतलब इंडिपेंडेंस प्रोवाइड घोषित करता है कि वो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंट रहे, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो. तो जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब उनको ऑफिस से हटाया नहीं जा सकता. हटाना के लिए उनको सेम प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जिसको हटाया जाता है. कल बताया था सुप्रीम कोर्ट को जिसको हटाने की प्रक्रिया, बता दीजिए एक बार जल्दी से. असमर्थता था और कल का अच्छा पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें लोकसभा के लिए 100 कंसेंट चाहिए और राज्यसभा में 50 चाहिए. उसके बाद में
नहीं कंसेंट नहीं चाहिए, जो रेजोल्यूशन होगा उसको 100 मेंबर एंडोर्स करेंगे, 100 मेंबर लेके आएंगे, फेवर चाहिए इतने लोगों का। बाकी आगे क्या होगा सर? उसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होता है और एक कमेटी भी होती है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ तो स्पेशल चाहिए। ओके ठीक, आगे बताइए। और तीन लोगों की एक कमेटी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिस्ट ज्यूरिस्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसकी वो है ना, उसपे है ना चेक करते हैं कि जो जिस ग्राउंड पे उनको कर रहे हैं रिमूव वो ठीक है कि नहीं। अगर वो पास मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ उनको रिमूव करना है तो आगे वो रिमूव हो जाते हैं। ओके तो मुझे बताएगा कि ये तीन मेंबर्स होंगे इसमें क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जरूरी है या और कोई भी आ सकता है? सीनियर मोस्ट जज भी आ सकते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है, कोई और जज सुप्रीम कोर्ट का। और बाकी हमारे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से कौन कौन आएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं बाकी किसी को याद नहीं आ रहा है? आप इसको दोबारा पढ़ के आइए, ठीक है, देखिएगा इसको दोबारा से। कल भी पूछा था मैंने, सोचा आपको पता होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। इसको दोबारा से आप देखिएगा, जो भी है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जितने भी जो भी पढ़ाया सब कुछ एक बार फिर से देखिए, कौन होता है कमेटी में, कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको खाली सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पर वो काम नहीं करते हैं। सर्विस कंडीशन, उनकी डिसएडवांटेज के अगेंस्ट उनको वेरी नहीं किया जा सकता। अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता अपने ऑफिस से जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड ना करे। तो अभी ये बात ध्यान में रखिए, जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको तो हम हटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, लेकिन जो बाकी के अदर कमिश्नर हैं दो और रीजनल कमिश्नर जो अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक रिकमेंड नहीं करते कि उनको हटाया जाए तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता। तो ये तीनों पॉइंट उनकी इंडिपेंडेंस को दर्शाते हैं। अभी जो हमारे संविधान है उसने सेफगार्ड और सेफ्टी और इंश्योर करने के लिए, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी इंश्योर करने के लिए काफी चीजें बोली, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज भी है। क्या क्या फ्लॉज हैं? फ्लॉज ये हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया। इलेक्शन कमिश्नर तो बनेगा लेकिन उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाई नहीं किया है कितना टर्म होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबार नहीं किया है रिटायर जो इलेक्शन कमिश्नर हो रहे हैं वो बाकी दोबारा गवर्नमेंट में कोई भी पद ले सकते हैं। कैग में ऐसा नहीं है, जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं ना वो सरकार में दोबारा पद नहीं ले सकते, रिटायर होने के बाद कोई दूसरा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट का नहीं कर सकती, इलेक्शन कमिश्नर में कर सकते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको दोबारा अपॉइंटमेंट सरकार कर सकती है। पावर्स एंड फंक्शन, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन की जो पावर है वो इलेक्शन से रिलेटेड ही है, और इलेक्शन भी किसके, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। तीन तरह के इसकी पावर्स है, एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकी पावर्स है, उन पावर्स में बेसिकली जो इलेक्टोरल रोल है वो इस, ये इनका स्पेसिफाई या पढ़ लेंगे ना, इसमें ऐसा इतना कुछ है नहीं। इलेक्टोरल रोल बनाती है, इलेक्शन से रिलेटेड जितना काम होता है वो ये करती है, मॉडल रोल ऑफ कंडक्ट है जो उसको इलेक्शन कमीशनर ये कराता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सोल्व करता है, इलेक्शन पिटीशन यहाँ पर आती है, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन को ही कंसल्ट करता है, कोई किसी का अगर वो करना है, किसी को रिमूव करना है, और बाकी 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 डेट वगैरह ये नॉमिनेट करते हैं। तो ये सब आप 10-15 पॉइंट है, खुद से देख लेना, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है।
एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं तब वो बोल देते हैं क्लीन चिट दे दिए, तो इसका क्या मतलब होता है सर क्लीन चिट का? क्लीन चिट मुझे नहीं पता, इसका आइडिया नहीं मुझे। क्लीन चिट कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन? हाँ इलेक्शन कमीशन देता है सर। नहीं मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई कुछ पर्टिकुलर केस होगा रिकॉर्ड के चक्कर में, क्राइम रिकॉर्ड के चक्कर में। मुझे थोड़ा मतलब इस बारे में थोड़ा पता नहीं है। तो आप इसको पढ़ लेंगे ना, जो 15 पॉइंट है मैं आपको बताऊं जल्दी से? पढ़ लेंगे सर। बाकी बाकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है बताओ सर। फिर आप नोट्स को शेयर करेंगे यार? नोट्स तो मेरे वो एक्चुअली ना मैंने ढूंढे थे, मुझे मिल नहीं रहे हैं। आप मेरे नोट्स की बात कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। मेरे को मेरे नोट्स मिले नहीं एक्चुअली। हाँ काफी टाइम हो गया तो पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, देखने पड़ेंगे एक बार फिर से। और मैं दिल नहीं सर, ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये वाले नोट्स है या ये तो लक्ष्मीकांत है ना? ये तो बुक है। ओके ओके बोल ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी ना। जो भी हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बेस पर डिटरमिन करते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्टोरल रोल को तैयार करता है इलेक्शन कमीशन। डेट, इलेक्शन की डेट को नोटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है, इलेक्शन सिंबल उनको प्रोवाइड करता है। कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी ये डिसाइड करता है। सेटिंग डिस्प्यूट्स, कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट अगर होता है पिटीशन के थ्रू उनके पास आता है, तो उसको ये पॉलिटिकल पार्टीज का हो या फिर एलोकेशन अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल हो, उसको ये डिस्प्यूट को सोल्व करता है इलेक्शन कमीशन। ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है डिस्प्यूट, ठीक है छोड़ दीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमिन करता है कि पार्टीज कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करेगी ड्यूरिंग टाइम ऑफ इलेक्शन। रोस्टर ऑफ पब्लिसिटी में जो भी आपके टीवी के ऊपर रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है पॉलिटिकल पार्टीज के, बेसिकली इनको एक टाइम पीरियड मिलता है और हर पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ इसमें लिमिटेशंस होती है कि अगर नेशनल पार्टीज है तो उनको ज्यादा टाइम मिलता है नेशनल टीवी के ऊपर, नेशनल रेडियो के ऊपर, अदर पार्टीज को कम मिलता है। तो ये सब ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स के ऊपर। गवर्नर्स को एडवाइज करता है डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेशन के। कैंसिल करता है पोल्स को अगर रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग वगैरह कुछ भी हो रहा है। प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है और गवर्नर को कि भी अगर उनको कुछ स्टाफ चाहिए इलेक्शन कमीशन को, अगर कोई ज्यादा स्टाफ चाहिए तो रिक्वेस्ट भेजेगा। सुपरवाइज करता है इलेक्शन मशीनरी को थ्रू आउट द कंट्री, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। प्रेसिडेंट को एडवाइज करेगा कि इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते अगर कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है, वो सिंपल सारी के ही काम है। इलेक्शन कमीशन में बेसिकली डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, वो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर डिफरेंट है इलेक्शन कमिश्नर से, याद रखिए। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं, कमीशन उनको अपॉइंट करता है। इनके अलावा सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, ये सब ठीक है। जो वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर का निर्वाचन भवन है, वहाँ का जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर सब बैठते हैं। ये स्टेट लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी, ठीक है छोड़िए। विजन, मिशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप खुद से पढ़ लेना, मेंस के लिए प्रीलिम में कुछ ना कुछ आएगा। इलेक्शन कमीशन आपका हो गया, ज्यादा कुछ नहीं इलेक्शन कमीशन में, आपको पता होना चाहिए। मल्टी मेंबर बॉडी कंपनी 1989 तक थी, उसके बाद 1993 जब तक मल्टी मेंबर है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो इलेक्शन कमिश्नर है, रीजनल कमिश्नर अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति। और इसके फंक्शंस क्या है, इलेक्शन कराना है जो बताया आपको 14-15 फंक्शन वो है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा, बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर हटाया जाएगा। इतना प्रोविजन है, ये बहुत आपके लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हेलो हेलो हेलो
सर सर ये जो पंचायत की इलेक्शन होने वाले हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा था ना। हाँ जी पंचायत राज के अंतर्गत है। दोबारा आप क्वेश्चन, आपका नाम क्या, नाम बताइए अपना एक बार। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो आप, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, मैं कि जो पंच सर वो पूछ रहा है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, हेलो सर वो पूछ रहा है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट कमीशन के अंतर्गत होते हैं। हाँ मैं उनका नाम नाम बताइए अपना नाम एक बार। सर देवेंद्र बात कर रहा हूँ, देवेंद्र। देवेंद्र ये कल से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका जो उसका काम खाली पंचायत के इलेक्शन कराना ही तो है। स्टेट इलेक्शन 73वें संशोधन आपने क्लास नहीं की कल? कल कल सर मैं नहीं था। हाँ कल नहीं थे तो पढ़िएगा उसको अपने आप से ना। 73वां संशोधन में ये प्रोविजन था, उसने क्लास को अपने क्लास छोड़ दी। ठीक है खुद से पढ़िएगा। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। आगे चलते हैं यूपीएससी। जो हमारा आर्टिकल है 315 से 323 तक पार्ट 14 संविधान का, वो बताता है कि कैसे जो यूपीएससी है उसका कंपोजिशन होगा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स कैसे होगा, उसकी इंडिपेंडेंस कैसे इंटैक्ट की जाए। ठीक है आर्टिकल 315 से 323, आर्टिकल 315 से 323। हाँ जी बताइए। ठीक है यूपीएससी में एक चेयरमैन होंगे और बाकी मेंबर्स होंगे, अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। अब रही राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि कितना स्ट्रेंथ हो कमीशन की। ठीक है बेसिकली अभी जो कमीशन है उसके जो मेंबर्स हैं 9 से 11 होते हैं, 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है 9 से 11 इंक्लूडिंग द चेयरमैन। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है चेयरमैन के लिए, प्रेजिडेंट है वो डिटरमिन करेंगे कंडीशन ऑफ सर्विस को चेयरमैन की एंड अदर मेंबर्स की। अभी हमने देखा था हमारा इलेक्शन कमीशन था उसका टेन्योर कितना एज लिमिट था उनका, कितने साल तक रह सकते अपने 6 और 65। हाँ अभी हम यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी वाले मेंबर्स भी 6 साल या 65 साल तक रह सकते हैं। ठीक है 6 साल या 65 साल वो किसी 6 साल या 65 साल तक रहेंगे, अपने ऑफिस से कभी भी छोड़ सकते हैं, रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है दे कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन। एक्टिंग चेयरमैन हो सकते हैं कब, जब चेयरमैन का ऑफिस है वो फॉल हो जाए, मतलब चेयरमैन का ना हो ऑफिस में, वो सीट वैकेंट हो जाए, वो रिटायर हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, या फिर चेयरमैन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में अनेबल हो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिमूवल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे चेयरमैन और अदर मेंबर्स को कैसे, इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में, अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाए, बैंककरप्ट हो जाए, किसी दूसरी पेड एम्प्लॉयमेंट में चला जाए, अनफिट हो ऑफिस को कंटिन्यू करने में, और राष्ट्रपति का ये ओपिनियन हो कि वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या तो माइंड या फिर बॉडी में उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। In addition to this, President can also remove the chairman or any other member
ऑफ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर के लिए भी उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एक इंक्वायरी होगी और अगर इंक्वायरी अपहोल्ड करती है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारे राष्ट्रपति ये भेजेंगे कि अगर वो उनका मिसबिहेवियर हुआ या नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस करेंगे ये एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग होगी। मिसबिहेवियर के प्रोविजन दे छोड़िए इनको, इंडिपेंडेंस जो हमारा संविधान है उसने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिससे कि जो हमारी यूपीएससी है वो पार्शली इंडिपेंडेंट रोल फंक्शन कर सके, तो चेयरमैन और मेंबर्स हैं वो यूपीएससी के, उनको खाली राष्ट्रपति ही निकाल सकता है और जो मैनर जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो इस तरह से उनकी सिक्योरिटी जो टेन्योर है वो उनका सिक्योर है। ठीक है, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है चेयरमैन और मेंबर की है वो उनको उनके डिसएडवांटेज के वैरी कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता उनके अपॉइंटमेंट के दौरान। जो उनका एंटायर एक्सपेंसेस है सैलरी अलाउंसेस पर्सन मेंबर्स किसी की भी, वो सब कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज है, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर उनकी सैलरी अलाउंसेस सब कुछ चार्ज वहां पर होते हैं, वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट के ऊपर। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो एलिजिबल नहीं है फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, अगर यूपीएससी का कोई चेयरमैन है तो वो सरकार में किसी भी केंद्र की या फिर किसी राज्य की सरकार में दोबारा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है। अभी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? जोशी। एक मेंबर ऑफ यूपीएससी, अगर कोई मेंबर यूपीएससी का है वो चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट हो सकता है या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट यूपीएससी के, लेकिन दूसरी उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट में कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। मतलब चेयरमैन जो है, चेयरमैन तो कहीं एम्प्लॉयमेंट उसको तो कहीं भी मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो मेंबर है अगर मेंबर ये जो अपने ऑफिस को छोड़ देता है तो वो मेंबर या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, बाकी और किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वो कोई पद नहीं ले सकता है। चेयरमैन और मेंबर जो होंगे उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उस ऑफिस में, ठीक है, अगर उनका पहला टर्न्योर कंप्लीट हो गया है तो वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उस ऑफिस में, सेकंड टर्म नहीं होगा। ये चारों पांचों पॉइंट, छह सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख लेंगे एक बार। यूपीएससी बेसिकली क्या काम करती है आपको पता है, यूपीएससी आपका बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इसका रोल है, स्टेट को असिस्ट करती है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, बाकी डिटेल्स में मत जाइए। हेलो सर। हाँ बताइए सर। जैसे कि अधिकारी होते हैं डीएम एसएसपी या एसपी वगैरह होते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो सस्पेंड की प्रक्रिया सर मतलब कैसे होती है कि कुछ टाइम के लिए हटा दिया जाता है जी सर, मैं निधि बोल रही हूँ। सर मैं ये पूछ रही थी कि प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन को किसी की सिफारिश पे हटाता है या खुद उसका डिसीजन होता है? किसी की सिफारिश पे हटाएगा या फिर खुद डिसीजन होगा? देखिए बेसिकली तो हम देखें तो प्रेसिडेंट हमारे जो है उनके लिए एक मंत्री परिषद जो उसकी सलाह पर करते हैं, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, तो अगर मंत्री परिषद उनको सलाह देगी तो वो मानेंगे क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी उनके ऊपर, तो ये उनका डिस्क्रिशन क्या हो सकता है नहीं हो सकता इसके ऊपर डाउट है।
बट अगर मंत्री परिषद उनको बोलेगी तो वो उसकी सलाह पर काम करेंगे, तो कंफर्म है। ये अभी मतलब आप ये कहना चाह रही है कि उनका ये विवेक डिस्क्रिशन है या नहीं है, है ना? हाँ जी सर। देखिए एज सच मतलब मेंशन तो नहीं है कि राष्ट्रपति का कुछ स्पेशल डिस्क्रिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें इसको जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही चलेगा। मंत्रिपरिषद अगर उनको बोलेगी तभी वो उसको हटाएंगे। ठीक है, यूपीएससी जो है हमने देख लिया, यूपीएससी के काम क्या है, क्या कर सकती है, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसी है और यूपीएससी राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देती है उसके परफॉर्मेंस पे, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रख पाते हैं। बाकी डिटेल्स में मत जाइए। लिमिटेशंस बता रखी है, लिमिटेशंस आप पढ़ लेना, कुछ ज्यादा है नहीं लिमिटेशंस में। रोल क्या है, रोल आपको बता ही दिया है, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। 315 से 323 तक, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हमने देखा कि यूपीएससी जो है बेसिकली ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स हैं नेशनल लेवल पर वो करा रही है, इसी तरह से हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली स्टेट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको देखती है और उसकी फंक्शंस करती है, उसको रिक्रूटमेंट एजेंसी है स्टेट के लिए। तो जो हमारे चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं स्टेट के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनके मेंबर्स 6 साल और 62 साल तक होते हैं, लेकिन जो हमारी यूपीएससी है यूपीएससी के मेंबर्स 6 साल और 65 साल तक होंगे, यहाँ पर 62 तक होंगे। हमारे यहाँ पर ये स्टेट में जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनकी एज क्या होती है, हाई कोर्ट के 62 जैसे हाई कोर्ट के 62 या से यहाँ पर हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एज है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेंगे क्योंकि स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। कितने नंबर्स होंगे, स्ट्रेंथ कोई डिफाइंड नहीं है, नो क्वालिफिकेशन, जैसे यूपीएससी में क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है वैसे यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। रिमूवल, जैसे हमारे जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे, लेकिन उनको रिमूव कौन करेगा, राष्ट्रपति। मैंने पहले भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति ही उनको रिमूव कर सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्लीज अपना माइक ऑफ करें। मैं कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, सबसे मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। मुझे मेरी आवाज आ रही है सूरज आपको? जी सर। ओके यस सर। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, लेकिन उनको रिमूव खाली राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। किन ग्राउंड्स पर, सारे ग्राउंड्स जिन ग्राउंड्स के ऊपर यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को हटा सकते हैं। अभी हमने ग्राउंड सारे बता दिए हैं, बैंकरप्ट हो जाए, किसी दूसरे पेड एम्प्लॉयमेंट में चला जाए, राष्ट्रपति के नॉलेज में ओपिनियन में अगर ऐसा लगे कि वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए फिट नहीं है, मिसबिहेवियर के ऊपर भी उनको हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर के लिए वैसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में वो होगा, इंक्वायरी जाएगी, इंक्वायरी के बाद एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट की आएगी वो बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति के ऊपर। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कैसे रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा? हाँ रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, रेजिग्नेशन गवर्नर को दे सकते हैं। अच्छा रेजिग्नेशन किसको देंगे? ओके आई थिंक रिमूव अगर उनको वो करेंगे तो रेजिग्नेशन गवर्नर को देना चाहिए, लिखा होगा इसमें कहीं।
सर लिखा हुआ है ना जहाँ पे 62 इयर्स और ये सब लिखा है वहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू गवर्नर गवर्नर हाँ गवर्नर ठीक है रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे लेकिन रिमूव प्रेजिडेंट करेंगे ठीक है बाकी सारे पॉइंट्स सब कुछ सेम है जैसा आपका यूपीएससी में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस कैसे एंश्योर की जाती है इंडिपेंडेंस सेम है जैसे मैंने आपको यूपीएससी में बताया था वैसे यहाँ पर कि उनको जो चेयरमैन और मेंबर होंगे उनको रिमूव प्रेजिडेंट के थ्रू ही किया जाएगा उन ग्राउंड्स के ऊपर जो ग्राउंड्स संविधान के अंदर लिखे हुए हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उनकी जो सर्विस है उनको उनके डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग वेरी नहीं किया जा सकता सैलरीज वगैरह जो है उनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर चार्ज्ड है जो हमारे जजेस होते हैं उनकी जो सैलरीज होती है वो कहाँ पर चार्ज होती है कहाँ से मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ हाई कोर्ट के सर हाई कोर्ट के तो स्टेट होते ना सर ओके सर उनकी पेंशन पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक फंड ऑफ इंडिया ओके ओके ठीक है तो चेयरमैन जो है एसपी जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के और मेंबर भी बन सकते हैं लेकिन जिस राज्य में वो पहले से ही चेयरमैन है उस राज्य के दोबारा उस एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकते किसी भी एम्प्लॉयमेंट में ठीक है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे आगे चलो ठीक है तो हमारे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के ठीक है लेकिन वो चेयर जो उस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उनकी किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकते सिर्फ और सिर्फ अगर चेयरमैन है हमारे यूपी सर्विस कमीशन के वो या तो यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे या मेंबर बनेंगे ठीक है या फिर चेयरमैन किसी दूसरी पब्लिक सर्विस कमीशन की और किसी अपॉइंटमेंट पे नहीं जा सकते जो हमारे दूसरे मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो भी चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के या फिर चेयरमैन किसी दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के या फिर उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जिसमें वो मेंबर रहे हैं बाकी और किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे मतलब अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर या चेयरमैन बन गया तो उसका रीएम्प्लॉयमेंट किसी दूसरी जॉब में नहीं हो वो खाली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या तो स्टेट की या दूसरे स्टेट की या फिर यूपीएससी की इन तीनों में से ही रहेगा अगर वो मेंबर रहा है मेंबर के बाद वो चेयरमैन बन सकता है उस यूपीएससी का सॉरी उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का या फिर दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन का या फिर चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी का अगर वो चेयरमैन रहा है तो वो खाली दूसरे स्टेट का चेयरमैन बनेगा या फिर यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर उसने अपना फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर लिया है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा फंक्शंस आपको पता ही है रिक्रूटमेंट एजेंसी है स्टेट के लिए जितने रिक्रूटमेंट्स होंगे हायर पोस्ट पर होते हैं वो सब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में आते हैं आप खुद से देख लेना लिमिटेशन वगैरह छोड़ दीजिए आप पढ़ लेंगे और रोल आपको पता ही है ये सब छोड़ देते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारे यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वैसे ही ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन है वो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकती है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बन सकता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो भी कंसर्न स्टेट है अगर वो रिक्वेस्ट करे तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी होगी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी पंजाब और हरियाणा के पास थी छोड़ दीजिए जरूरत नहीं है चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होंगे वो अपॉइंट होंगे राष्ट्रपति के द्वारा छोड़िए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आर्टिकल 315 से 323 याद रखेंगे 315 से 323 अगर कभी भी आता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड होगा फाइनेंस कमीशन
आर्टिकल 280 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस कमीशन की बात करता है। फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। राष्ट्रपति हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं। कंपोजिशन देख लीजिए जल्दी से। फाइनेंस कमीशन के पास एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे, अपॉइंट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। एक चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स। एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के, उनका टाइम पीरियड राष्ट्रपति नियुक्त कर वो निर्धारित करेंगे। पार्लियामेंट, इनका जो हमारे जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो निर्धारण नहीं है इनकी क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट डिटरमिन करती है कि उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा और वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अभी जो हमारे एक चेयरमैन और जो 4 मेंबर्स हैं, उनके लिए हमारे जो संसद है, संसद ने ये क्वालिफिकेशन बनाए हैं। तो जो चेयरमैन है, चेयरमैन तो बेसिकली जो ऐसा पर्सन होगा जिसको एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स में, और जो बाकी के अदर मेंबर्स होंगे उनके लिए 4 क्राइटेरिया है। वो 4 क्राइटेरिया क्या है? जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड बी टू बी अपॉइंटेड एज 1। या तो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज बनने लायक उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस हो। स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स में गवर्नमेंट के, वाइड एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की। आप 4 पॉइंट याद रखेंगे, मेंस में क्वेश्चन आया था फाइनेंस कमीशन के ऊपर, कंपोजिशन का ही क्वेश्चन आया था। तो 4 पॉइंट हो गए, हाई कोर्ट का जज या तो हो या जज बनने की काबिलियत रखता हो, फाइनेंस और अकाउंट्स में नॉलेज हो, फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपीरियंस हो, स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। फंक्शंस क्या है? फाइनेंस कमीशन बेसिकली वित्त आयोग डिसाइड करता है कि जो हमारा जो भी सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के जो पैसे हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसमें और राज्यों में। तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को किस किस मैटर्स पर, 4 मैटर्स इन्होंने दिए हैं कि जो भी हमारा टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस रेवेन्यू को सेंटर और स्टेट के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिसके थ्रू ग्रांट मिलेगी, किसी राज्य को ग्रांट दी जाएगी, कैसे वो मेजर्स होंगे जिससे कि हम अपनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑगमेंट करें, उसके रिसोर्सेज को, पंचायत के रिसोर्सेज को बढ़ाएं, और कोई ऐसा मैटर जो राष्ट्रपति वित्त आयोग को रेफर करें, हमारा साउंड फाइनेंस सिस्टम हो, हमारा फाइनेंस सिस्टम अच्छा हो। तो 4 बेसिकली फंक्शंस होते हैं वित्त आयोग के। जो आपका ये वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करेगा और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने उस रिपोर्ट को रख पाएगा। अभी एडवाइजरी रोल है कि जो रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन की वो खाली एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट चाहे तो माने या ना माने, बट नॉर्मली गवर्नमेंट उसको मानती है क्योंकि जो वित्त आयोग जो होता है वो काफी एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन होता है और काफी ज्यादा डिटेल में चीजों को बताता है कि कैसे प्रोसीडिंग्स वगैरह हों। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है करंटली? 14 अगर आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है, मतलब चीजें के नीचे लिखा भी है एनके सिंह। पहले जो थे एनके सिंह योगी थे, पहले का नाम याद रखिए और लास्ट वाले का नाम याद रखिए बस। इसमें वित्त आयोग में कुछ नहीं करना, वित्त आयोग में इसका कंपोजिशन कैसे होगा, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। 4 फंक्शंस है, 5 क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की बस। बाकी आप करंट अफेयर्स में वित्त आयोग से जो मतलब करंट अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसकी रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो इसको आगे करेंगे।
जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल बेसिकली मैंने पढ़ा नहीं कभी, मेरे को देखना पड़ेगा इसको, देख स्ट्रेट स्ट्रेट छोटा सा देख लेते हैं जल्दी से। जो हमारा 101 अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, उसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल बना है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी बेसिकली ये मैं इसको आपको ना पढ़ के बताऊंगा, एक्चुअली मैंने कभी पढ़ा नहीं है जीएसटी, मेरे को वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसको छोड़ दूं, स्किप कर दूं? यस सर, ओके सर। यार जीएसटी काउंसिल मैंने पढ़ा नहीं है इससे कभी भी, और मेरे को याद नहीं है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, नहीं तो टाइम मिल जाएगा आपका। नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में बेसिकली एक नेशनल कमीशन की बात की गई है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नेशनल कमीशन हमारे यहाँ आर्टिकल 338 में आता है, जो शेड्यूल कास्ट जो है उसके लिए एक राष्ट्रीय लेवल पर एक आयोग है, और वो काफी सारी रिकमेंडेशन करता है गवर्नमेंट को, एडवाइस करता है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के ऊपर। अभी जो इन्होंने बताया है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वीमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, ये सब स्टैट्यूटरी है क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट्स के थ्रू बने हैं, आपको पता ही दिया है मैंने। एवोल्यूशन ऑफ कमीशन आज ज्यादा इसमें नहीं जानना है, आप खाली इतना जानिए 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसने बाइफर्केट कर दिया था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को। तो 338 में 338 में तो नेशनल कमीशन फॉर एससी आएगा, 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर एसटी आ जाएगा, ठीक है। पहले कंबाइंड था, अभी ये अलग अलग हो गया है। कब से अलग हुआ है? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इंपॉर्टेंट है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को अलग अलग कर दिया गया। अभी इसमें एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और तीन मेंबर्स होंगे, तो पांच मेंबर बॉडी है आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड थ्री अदर मेंबर्स। सबको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, सर्विस और उनका टेन्योर भी राष्ट्रपति ही फिक्स करते हैं। फंक्शंस क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससी है, सारे मैटर्स को जो भी एससी से रिलेटेड है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स है, उनको इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करता है। कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट अगर कोई भी एससी एसटी एससीज के राइट्स और सेफगार्ड के रिगार्डिंग आती है, तो उसमें इंक्वायरी करता है। ये गवर्नमेंट को ये एससीज के एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सलाह देता है, उनकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करता है कि राज्य और केंद्र में उनका डेवलपमेंट किस लेवल पर हो रहा है। राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सबमिट करता है, या तो एनुअली या फिर जब राष्ट्रपति कहे तब। एससी एसटीज के प्रोटेक्शन के लिए जो भी सेफगार्ड्स है, उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, राज्य को और केंद्र सरकार को रिकमेंड करता है कि कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, कि एससीज का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। वो ऐसे अदर फंक्शन स्पेसिफाई नहीं है जो, वो उनको भी परफॉर्म करेगा जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हो एससीज का, और प्रेसिडेंट उनको स्पेसिफाई करे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी को वो काम कर। तो बेसिकली हमने देखा जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, उसका जो मेन डोमेन है वो शेड्यूल कास्ट का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनके लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड करना है। तो इंक्वायरी भी करता है अगर उनके राइट्स का हनन होता है, उनके राइट्स का वायलेशन होता है, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि उनके लिए जो पॉलिसीज है उनको अच्छे से निर्धारित किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। यही उसका रोल है, अगर हम सिंपल टर्म पे बोलते समझ। कमीशन एक राष्ट्रपति को एनुअल रिपोर्ट देता है, या फिर जब भी उसको लगे कि रिपोर्ट देनी चाहिए, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखवाएगा। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नर को भी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पावर्स ऑफ द कमीशन,
जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है उसके पास कुछ पावर है रेगुलेट करने की, कि वो जो भी खुद का जो काम है उसके प्रोसीजर है उसको रेगुलेट कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो स्पेशल पावर उनके पास होगी ही। तो अगर ये कमीशन हमारा कभी भी किसी ऐसे मैटर को इंक्वायरी करता है कि कोई भी एससी ने अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट के पर्सन ने उनको कोई कंप्लेंट की है और मैटर वो इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तब नेशनल कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। जो का पावर सिविल कोर्ट की होती है वही पावर नेशनल कमीशन फॉर एससी की होती है। तो इसका ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उस पावर के अंतर्गत वो किसी की भी पर्सन की सम्मन कर सकता है, उनको अटेंडेंस के लिए बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, कोई एफिडेविट सबमिट करवा सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात कर सकते, पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं किसी भी कोर्ट या ऑफिस से, सम्मन भेज सकता है किसी भी विटनेस के लिए और एनी अदर मैटर विच द प्रेजिडेंट मे डिटरमाइन। तो इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर जो एससी है उसकी जो पावर से काफी ज्यादा वाइड है। लेकिन ये वाइड होते हुए भी इसके पास कोई इम्पोजिंग पावर नहीं है, मतलब किसी को ये बाइंड नहीं कर सकते। एक तरह से जो पावर है लिमिटेड पावर से है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनको एससी से रिलेटेड अगर कुछ भी पॉलिसी है उसके उसको बनाने से पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी से कंसल्ट करना पड़ता है। एंग्लो इंडियन छोड़ दीजिए, उसमें क्या करना। टिल 2018 तक कमीशन के पास ओबीसीज का जो फंक्शन है, मतलब जो ओबीसीज के लिए था वो भी था, लेकिन 102 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? अभी 2018 तक नेशनल कमीशन फॉर जो एससी था वो बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग भी सारे काम करता था जो शेड्यूल कास्ट के लिए था। अभी 2018 के बाद क्यों हटा दिया गया 102 अमेंडमेंट एक्ट की बात बताएगा? अरे 102 अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्यों हटा दिया गया बैकवर्ड क्लासेस को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से? अलग से बन गया इसका जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी हमने देखा वैसे नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, 338A, संविधान संशोधन कौन सा था 89, ईयर कौन सा था 2003, 89 संविधान संशोधन है 2003, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग से बना। मैं इसको आपको देखकर बताऊंगा 65 क्यों लिखा है ना। तो बेसिकली 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को बाइफर्केट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और जो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है उसमें भी आपके 5 मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, इनका टेन्योर वगैरह सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, सारी कंडीशन सब कुछ सेम है। फंक्शंस क्या होता है जो हमने देखे कि एससी के रिगार्डिंग जितने भी उनके सोशल डेवलपमेंट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इंश्योर करना, पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करना, वो सारे काम यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर एसटी करेगा शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग। तो सेम चीजें हैं, सब कुछ सेम है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। अभी हम देख लेते हैं अदर फंक्शंस। प्रेसिडेंट ने जो हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं जो मेंशन है शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स के लिए। तो जो भी ये हमारे एसटीज हैं उनके एसटीज के लिए नेशनल कमीशन फॉर एसटी
ये मेजर टेक करता है, जो भी हमारे शेड्यूल ट्राइब फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं वहां से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा होती है उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर किसका ओनरशिप राइट होगा उसके रिगार्डिंग ये मीटर्स लेता है, सेफगार्ड करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज को कि उनका जो राइट है जो मिनरल रिसोर्स के ऊपर, वाटर रिसोर्स के ऊपर उनका राइट सेफगार्ड करने के लिए जो मीटर्स है वो नेशनल कमीशन फॉरेस्ट ही लेगा। ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो सके, उनकी लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज का निर्माण किया जा सके अच्छे से, रिहैबिलिटेशन जो ट्राइबल ग्रुप जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बाद उनका रिहैबिलिटेशन का जो काम है उनके रिगार्डिंग जितने भी मीटर्स है ये शेड्यूल ट्राइब कमीशन के अंतर्गत आते हैं और उनको मीटर्स को अपॉइंट डिक्लेयर करता है, डिटरमिन करता है और गवर्नमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी मीटर्स टेक करेगा कि जो आपके ट्राइबल पीपल है उनका लैंड से एलिनेशन ना हो और उनको अच्छे से रिहैबिलिटेट कर सके। एनसीएसटी इंश्योर करेगा कि जो हमारा पैसा एक्ट है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 उसका फुल इंप्लीमेंटेशन हो, उसमें कहीं वायलेशन ना हो, उसमें कुछ डाइल्यूशन ना हो। नेशनल कमीशन फॉर एसटी इंश्योर करेगा कि जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को धीरे धीरे खत्म करे और उनका जो ये लैंड के ऊपर डिग्रेडेशन और जो भी इफेक्ट होता है इससे वो कम किया जा सके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी कम करवाने की बात कर रहा है। जैसे एक एनुअली रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर एसटी करेगा एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट, जो राष्ट्रपति स्टेट में और संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे। जिस तरह से पावर थी सिविल कोर्ट की नेशनल कमीशन फॉर एसटी के पास, वैसे ही पावर्स हमारे नेशनल कमीशन फॉर एसटी के पास है, सिविल कोर्ट की पावर्स होती सेम पावर्स है, छोड़ दी। अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा हमारे जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो एक नया क्लोज इंसर्ट किया गया 338B। तो 338B 102 संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में इंसर्ट किया गया और जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बेसिकली इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस है और इन स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसके पास एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति इनके कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर को डिटरमाइन करेंगे। तो इनके फंक्शंस सेम फंक्शंस हैं, सारे सेम फंक्शंस हैं। एससी एसटी और ओबीसी के नेशनल कमीशन है उनको उनके एडवांसमेंट की बात करनी है, एडवाइस करना है, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, 3 वर्ष में यही है इम्पोर्टेंट। रिपोर्ट हर साल एक रिपोर्ट देंगे, पावर्स आपको पता है सिविल कोर्ट पावर है तो छोड़ देंगे। जो तीनों कमीशन है आप इनके आर्टिकल्स याद करेंगे, प्रोविजंस तीनों में कॉमन है, उनकी पावर्स कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, तो आप एक का भी अच्छे से याद करते हो तीनों याद हो जाएंगे। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, सातवां संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल 350B जोड़ा गया। 350B बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, 350B बोलता है कि हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। 350B राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर बेसिकली क्या काम करेगा, स्पेशल ऑफिसर ये इंश्योर करेगा या इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनका सेफगार्ड अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी हमारे संविधान के अंदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है। राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, जैसे जैसे इंटरवल पर राष्ट्रपति स्पेसिफाई करते हैं कौन से रिपोर्ट मांगते उन इंटरवल्स के द्वारा।
और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रख पाएंगे। आर्टिकल 350 भी याद रखेंगे, सातवां संविधान संशोधन हम ये भी याद रखेंगे। जो हमारा ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, ये 1956 में एक स्पेशल ऑफिसर क्रिएट किया गया, कमिश्नर इसको नाम दिया गया कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इनका हेडक्वार्टर अलाहाबाद में है, 3 रीजनल ऑफिस है, बेलगाम, चेन्नई एंड कोलकाता, उनको हेड करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। बस इतना ही जानिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगा कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, याद रखेंगे लिंग्विस्टिक कमिश्नर, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आएगा और ये अलाहाबाद में हेडक्वार्टर है इनका, 3 रीजनल ऑफिस बेलगाम, चेन्नई एंड कोलकाता। रोल ऑफ द कमिश्नर, बेसिकली जो कमिश्नर है वो जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के से हमको टेकअप करेगा, उनका प्रोग्रेस देखेगा कि अच्छे से उनकी प्रोग्रेस हो, माइनॉरिटीज के राइट्स का हनन ना हो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको टेकअप करेगा। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस क्या क्या है, जो भी हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनके सेफ गार्ड के रिगार्डिंग जितने भी मैटर होंगे उनको इन्वेस्टिगेट का काम करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट करेगा, सेफ गार्ड करेगा, क्वेश्चनर विजय, ये सब ठीक है, मतलब उनके जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनके एडवांसमेंट के लिए जितने भी काम हो सकते हैं वो सारे काम करेगा, उनको मॉनिटर भी करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको समान अवसर मिले, उनका उनके अंदर अवेयरनेस फैले, उनके जो भी सेफगार्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी उनके सेफगार्ड है उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई भी ग्रीवांसेस होती है उनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को उनको रीड्रेस किया जा सके अच्छे से। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफगार्ड उनके डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम है ये सब काम करेंगे कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। CAG आर्टिकल 148 हमारे संविधान के अंतर्गत CAG का प्रोविजन देता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। ये बुलवर्क बोला था, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वो हमारे फाइनेंशियल साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटैक्ट रखने के लिए काफी इंपोर्टेंट रोल है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का। कैग को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और उनको ओथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, ये सब देख लीजिए आप, 4 तरह की ओथ है। इनका जो टाइम पीरियड है 6 साल 65 साल, 6 साल का टेन्योर होगा या फिर 65 साल, दोनों जो भी पहले हो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से कभी भी, राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देंगे, राष्ट्रपति इनको रिमूव कर सकते हैं सेम ग्राउंड्स पर और सेम मैनर में जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सेम ग्राउंड्स पर सेम मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही कैग को भी रिमूव किया जा सकता है। ग्राउंड्स क्या होंगे, प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इंडिपेंडेंस, हमारा जो हमारे जो देश में कैग है उसकी इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस है। पहला तो उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, राष्ट्रपति उनको रिमूव कर सकते हैं और नहीं, वो भी एक स्पेसिफाइड प्रोसेस है उसके थ्रू। फर्दर ऑफिस मैंने बताया था, फर्दर ऑफिस दोबारा वो गवर्नमेंट में कोई ऑफिस नहीं ले सकते, गवर्नमेंट में कोई पद नहीं ले सकते अगर एक बार कैग बन गए तो। उनकी जो सैलरीज हैं पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी और सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होगी, उनकी सैलरी उनके डिसएडवांटेज कुछ भी, मतलब उनके जो अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज के जो उनकी सर्विस कंडीशन उनको वेरी नहीं किया जाता उनके डिसएडवांटेज के अगेंस्ट।
उनके जो जितने भी एक्सपेंसेस है कैग के कैग ऑफिसर्स के जितने भी एक्सपेंस है वो कंसोलिडेटेड फंडों के बेहे पर चार्ज होंगे, उनको वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ड्यूटीज एंड पावर, बेसिकली जो हमारा कैग है आर्टिकल 148 के अंतर्गत उसकी कुछ ड्यूटीज है ताकि वो हमारे देश के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अच्छे से चला सके। जैसे हमारे देश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां पे पैसा आता है, टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत सारी चीजों के थ्रू पैसा आता है, फिर वहां से मिनिस्ट्रीज को पैसा जाता है और मिनिस्ट्री पैसा खर्च करती है। तो हमारे जो कैग है, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये बेसिकली जो हमारा पब्लिक पर्स है उसके कस्टोडियन है कि हमारे पैसा, हमारे अकाउंट से कितना पैसा कहाँ जा रहा है वो ये देखते हैं। लेकिन जो हमारा कैग है, हमारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो ये तो वो ये नहीं देखते वो पैसा, मतलब अगर हमारे जो पर्स है, हमारे पर्स से पैसा चला गया, वो खर्च हो गया, वो बाद में डिसाइड करते हैं कि जो आपने खर्च किया कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया। पैसा जब जेब से जा रहा है वो तब नहीं देखते, उनको इतनी पावर नहीं है कंट्रोल करने की पैसा कहाँ जा रहा है। पैसा चला गया, पैसा जाने के बाद तब वो उसको ऑडिट करते हैं, तब वो उसको देखते हैं। तो कैग की जो पावर है ये लिमिटेशन है हमारे यहाँ पर। अभी हम देख लेते हैं उसके ड्यूटीज एंड पावर क्या है। हेलो बताइए। हेलो सर, हमारे कार्य अनुच्छेद 151 दे रखा है बुक में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं सर। जो ड्यूटीज जो बताए, ड्यूटीज एंड पावर जो बता रहे हो आप, इसमें आपके में आपके संविधान का अनुच्छेद 149 है, हमारे में 151 है, सर कौन सा सही है सर? ये एक बार देखना पड़ेगा एक्चुअली। 148 आपका, हमारे तो 151 है पर आपके बुक में 149 है। मैं इसको देख लूंगा एक बार, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो 151 में, तो 149 में ड्यूटीज होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है 151 में। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार ना, क्या हो सकता है गलती हो बुक में भी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रिस्क्राइब करे कैग की ड्यूटीज एंड पावर। तो उसी के रिगार्डिंग 1971 में पार्लियामेंट ने अनेक्ट किया कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। ये एक्ट 1976 में अमेंड हुआ, जिसने इसकी पावर अकाउंट्स और ऑडिट, अकाउंट को ऑडिट से अलग कर दिया सेंट्रल कोर्ट ने। तो बेसिकली कैग ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 बताता है कि जो कैग की पावर एंड ड्यूटीज क्या होगी, लेकिन इसका निर्धारण, इसका डिटरमिन करती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बताती है कैसे होती है। तो ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या होते हैं, हमारा जो कैग है, हमारे यहाँ पर जो कैग ऑफिस है वो ऑडिट करता है अकाउंट्स को, जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना भी खर्च हो रहा है हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ हर स्टेट से, तो राज्य से और हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और यूटीज से, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। कितनी यूटीज है हमारे पास जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली? 3 सर। 3 तो 2 जम्मू कश्मीर शामिल हो गया इसमें। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? जम्मू कश्मीर शामिल हो जाएगा इसमें सर, 3 हैं। जम्मू कश्मीर शामिल हो जाएगा। तो कैग जो है वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और यूटीज, 3 यूटीज की जो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड से, उनको ऑडिट करेगा। कैग ऑडिट करेगा सारे एक्सपेंडिचर को जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से खर्च हो रहे हैं, या फिर स्टेट से, स्टेट की जो कंटिजेंसी फंड है उनसे जो जितना भी खर्चा हो रहा है उसको। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल बताइए, आर्टिकल ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 2-3 बार बता चुका हूं मैं आपको। बताइए 267 और 266 में कौन आता है? 266
सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट्स 266 क्लोज 1 में आता है कंसोलिडेटेड फंड 266 क्लोज 2 में आता है पब्लिक अकाउंट्स याद रखिए भूलिए मत तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेट का और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जितना भी खर्चा हो रहा है ये आपका डिसाइड करेंगे ऑडिट करेंगे कैग कैग ऑडिट करता है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट्स kept by any department of central government and state government. तो central government और state government के जो भी department होंगे उनका accounts को भी audit आपके CAG करेगा. CAG audit करता है जितने भी हमारे center और state के receipt and expenditure होते हैं. अच्छा ठीक है वो जितना भी मतलब खर्चा हो रहा है सेंट्रल स्टेट का ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी खर्चा हुआ है वो प्रोसीजर के थ्रू हुआ है और इफेक्टिव चेक होता है असेसमेंट कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू ठीक है सिंपल है. कैग ऑडिट करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज जो भी हमारे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू से सब्सटेंशियली फाइनेंस मतलब वहां का जो एक चंक है जो उनका मेजर पैसा है वो स्टेट अगर स्टेट और सेंटर से जा रहा है तो कोई भी बॉडी हो उसको ऑडिट करेगा कैग. गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करता है कैग और बाकी दूसरी कंपनीज को जो लॉ के अंदर लिखा हो कि उनको कैग आपका ऑडिट करेगा. अभी जैसे वो प्रधानमंत्री का जो आया था ना कुछ एक कोविड के दौरान एक स्पेशल वो बना था पीएम केयर बिल्कुल तो उन्होंने लिख दिया था ना कि कैग इसको ऑडिट नहीं कर सकता बट अगर किसी लॉ में लिख दे कि कैग ऑडिट कर सकता है तो फिर उसको ऑडिट करना पड़ेगा. ठीक है तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के डेब्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे सिंकिंग फंड डिपॉजिट्स एडवांसेस इन सब को कैग ऑडिट करेगा. स्टॉक अकाउंट्स को भी कर सकता है लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा. इन सब चीजों के लिए प्रोविडेंट मतलब अगर कोई रिसिप्ट स्टॉक अकाउंट्स या फिर अदर जो प्रेसिडेंट बोले या प्रेसिडेंट अप्रूव करे तब कैग उनको ऑडिट कर सकता है. हेलो सर हाँ बताइए. प्रेसिडेंट केयर फंड था सर वो गरीब लोगों ने या जो भी भारत की जनता थी उसने दिया था लेकिन वो फंड अब एक धार्मिक सुप्रीम कोर्ट ने भी निकला था एक कंपनी ने केस किया इसलिए बाद में वो धार्मिक फंड बना दिया. ठीक है उसे कुछ भी बनाते रहे अगर उन्होंने बाहर कर दिया कि कैग ऑडिट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे सिंपल. इसमें लिखा है ना कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो ही वो कर सकता है. अभी अब हम अगला देखते हैं 7 पॉइंट. वो उन अकाउंट्स को ऑडिट करेगा कैग जिनको प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करे जैसे लोकल बॉडीज को करना है. अब हमारे जो कैग है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करेंगे कि कैसे सेंटर और स्टेट के अकाउंट को किन फॉर्म में रखा जाए. आर्टिकल 150 अपनी जो हमारे जो कैग है वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं. 3 तरह की रिपोर्ट होती है जो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उनको राष्ट्रपति उनको संसद के दोनों सदनों के सामने प्लेस करते हैं. तो कैग तीन ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सबमिट करना ही पड़ता है कैग को. अगर वो कोई स्टेट से रिलेटेड है तो वो गवर्नर को जो भी रिपोर्ट होगी गवर्नर को सबमिट करेंगे. आर्टिकल 270 यानी इंपोर्टेंट है ही असर्टेन एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी. तो कोई भी टैक्स की नेट प्रोसीडिंग या फिर ड्यूटी की कितनी प्रोसीडिंग हुई है उसको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है कैग से. आर्टिकल 279 कैग का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है नेट प्रोसीड मतलब कितना टैक्स आया कितना गया उसके लिए. ही एक्ट एज अ जज फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. ही कंप्लाइज एंड मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है अभी देखिए मैंने 3 रिपोर्ट बोला था ना. कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट. ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अकाउंट. इन तीनों को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के सदन में डालता है. इंपोर्टेंट है याद कर लीजिए. अभी ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट
फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, इन तीन ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सबमिट करता है हर साल। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट। अभी इन्होंने यही बताया कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कंपेयर करेगा कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, जितना पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा। फाइनेंशियल अकाउंट शो करेगा कि कितनी रिसिप्ट और डिसबर्समेंट हुआ गवर्नमेंट को, कि कितना रिसिप्ट किया, कितना डिसबर्स किया, ठीक है। कैग की 12-13 इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। बेसिकली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट करना ही है। ऑडिट करना किसको? ऑडिट करना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के उन कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, या फिर उन कंपनीज को जिनमें सरकार का या राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है, या फिर राष्ट्रपति उनको बोलते हैं, राष्ट्रपति या गवर्नर। तब तीन रिपोर्ट्स को वो संसद राष्ट्रपति को सबमिट करता है, राष्ट्रपति संसद में स्थापित करता है। कौन कौन सी है? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अभी कैग का रोल, कैग का रोल हमने जो ऊपर देखा वही सब है। बेसिकली साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना हमारे देश में, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, जिस चीज के लिए था वैसे खर्च हुआ नहीं, उस चीज को एसर्टेन करने के लिए ही कैग का रोल है। कैग पैसा जब खर्च हो जाता है तब उसको देखता है, उससे पहले कंट्रोल नहीं करता इंडिया में। तो इसमें देखिए थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुलाइज द कैग टू बी कंट्रोलर एज वेल ऑडिटर जनरल, हाउएवर इन प्रैक्टिस द कैग इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल ओनली एंड नॉट दैट ऑफ कंट्रोलर। इन अदर वर्ड्स, कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड मैनी डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड टू मनी बाय इशूइंग चेक अबाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ कैग। सिंपल। कैग एंड कॉर्पोरेशंस, कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग कैग का रोल लिमिटेड है, कुछ में वो उनका ऑडिट करता है, कुछ में नहीं करता, डिटेल में नहीं जाएंगे। एलबी क्रिटिसिज्म यही है कि ये जो कैग का रोल है कॉलोनियल रूल है, पहले से आ रखा है, आज के टाइम में इसका काफी ज्यादा मतलब पावर्स बढ़ानी चाहिए बट नहीं बढ़ी है। कैग खाली ऑडिटर है, कंट्रोलर नहीं है, तो इसका जो ड्यूटी है वो कम है इंडिया में, पढ़ लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 145 कंट्रोलर एंड जनरल, आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर, आर्टिकल 150 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट, आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट। अभी कोई कुछ कह रहा था, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या आप देखकर, आर्टिकल देखकर? हां सर, इसमें दे रखा है सर, इसमें तीन आर्टिकल दे रखे हमारे, इसमें चार है, ऑडिट रिपोर्ट 151 150 एंड 151। चलिए आगे चले। अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। ये इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। कोई दिक्कत है सर आर्टिकल में हमारे इसमें? सर आपकी कौन सी बुक है? ये लक्ष्मीकांत हमारी भी न्यू है सर, 6 एडिशन उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें अभी आपको क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, इसमें हम बता देते हैं, हमारे जिसमें आपके में चार हैं, 48, 49, 50, 51 हमारे में 48, 51, 50, 51 हमारे 49 नहीं है इसके अंतर्गत। अरे वो मिसप्रिंट हो रहा है, मतलब इसके अंदर हमारा 151 को 149 है सर, ये दो बार प्रिंट कर रखा है इसमें। हाँ तो वो गलत हो रखा होगा ना, मिसप्रिंट हो रहा है इसमें, दो बार प्रिंट कर रखा है इसके अंदर। ठीक है ठीक है, एक बार गूगल कर लेना, नहीं तो ना गूगल से। ठीक है सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी अपॉइंटेड, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल जज ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ सब हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स और इनके समय पर ठहरे थे। The term of office is not fixed by Indian Constitution. उनका जो term है वो कोई fix नहीं है, ना ही उनके removal के लिए कोई procedure है। उनका जो office है pleasure of President के दौरान रहता है।
प्रेसिडेंट उनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, वो अपना कभी भी डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी फिक्स नहीं है, रेम्यूनरेशन इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ही रिसीव्स एज सच रेम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट मे डिटरमिन। ड्यूटीज एंड फंक्शन देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करता है लीगल मैटर्स पर, परफॉर्म करता है लीगल कैरेक्टर में बाकी सारी ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट उनको असाइन करते हैं या फिर बाकी ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ के ऊपर डालते हैं। बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केस लड़ते हैं। हाई कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह मतलब की सपोर्ट में या उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केस लड़ते हैं, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। राइट्स एंड लिमिटेशंस, राइट्स एंड लिमिटेशंस में जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में राइट ऑफ ऑडियंस होता है किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट के मतलब किसी भी टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं ऑडियंस की तरह। राइट टू स्पीक, किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्लियामेंट की वो बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ सकते हैं, जॉइंट सेटिंग में बैठ सकते हैं। जो भी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस पार्लियामेंट एमपीज को मिलती है वही सब इनको भी मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेज मिलेगी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलेगी। उनकी लिमिटेशंस है उनकी ड्यूटीज के ऊपर क्या है कि वो एडवाइज, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ना हो। बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेगा उसके अगेंस्ट ना जाए, तो यही सब है उसमें। और अटॉर्नी जनरल जो हमारा ये है फुल टाइम काउंसिल नहीं है, याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट का, वो टेम्परेरी है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। ही डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज नॉट डिबार्ड, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी। तो अटॉर्नी जनरल हमने देख लिया 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 76 का आर्टिकल और इसकी जो रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं होती है, राष्ट्रपति करते हैं, क्राइटेरिया हमने देख ली, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आर्टिकल 76 बस इतना ही याद रखेंगे, किसी भी संसद के दोनों सदनों में से कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं, राइट टू वोट नहीं होता है, किसी भी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, सिंपल। अभी आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, और जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वैसे ही स्टेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अपॉइंटमेंट एंड टर्म, गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे, ये हाई कोर्ट के जज की इनके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की हाई कोर्ट के जज की तरह नियुक्त हो सके। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फिक्स नहीं है, जैसे हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नहीं है ऐसे एडवोकेट जनरल का भी नहीं है फिक्स। रिमूवल के लिए कोई प्रोसीजर जैसे वहां फिक्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई प्रोसीजर इनका मेंटम नहीं है। प्लेजर ऑफ गवर्नर पर होते हैं, गवर्नर कभी भी इनको हटा सकते हैं, गवर्नर को रिजाइन दे सकते हैं। रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं है, उनकी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं है। चीफ लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का या एडवोकेट जनरल, एडवाइज करता है, लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करता है जैसे जैसे गवर्नर बोले। किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके मेंबर है, वोट का अधिकार इनको नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकते हैं। तो हमने देख लिया जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है बेसिकली करस्पॉन्ड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल है उसी तरह से यहाँ पे इनका रोल है।
ठीक है, आज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बेसिकली कुछ है नहीं ज्यादा, छोटा छोटा सा है आपका, छोटा छोटा सा आपको याद करना है उनके उनका क्राइटेरिया, उनकी पावर, आर्टिकल्स, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप। सर आप कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप। सर हेलो, आप बताइए। सर अगर किसी कम्युनिटी को एससी एसटी या फिर ओबीसी लिस्ट में जो ऐड करना होता है तो कैसे ऐड करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं, वो मतलब उसके लिए प्रोसेस है। सर उसमें एनसीएससी का रिकमेंडेशन जरूरी होता है? अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर एससी का, ऐसा हमने जो उसके रोल्स पढ़े तो उसमें लिखा तो नहीं था कि नेशनल कमीशन फॉर एससी का रिकमेंडेशन जरूरी होगा। कंसल्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन की बात नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। मतलब ऐसे उनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मैं करण निराला। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है सर, उसकी उस जब वो डिसीजन लेते हैं कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन इस डेट पे होंगे सर, क्या वो बाइंडिंग होता है? बिकॉज सर अभी आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने केस कर दिया है सर, वो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला है हम उसको नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो डेट देता है क्या वो बाइंडिंग होता है स्टेट के ऊपर कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर। ओके यार, एक्चुअली जो इस इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती है, और ये जो इलेक्शन डेट देता है ये स्टेट के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन कंडीशन है कि उसमें इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि एग्जीक्यूटिव बॉडी डिटरमिन करेगी कि इलेक्शन कराने फिजिबल है या नहीं है। तो एज सच ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई डेट दी तो वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज हो सकती है। मतलब अगर फिजिबल ही नहीं है कि इलेक्शन हो पाए, स्टेट एग्जीक्यूटिव को स्टेट मशीनरी के पास वो काबिलियत ही नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, कंटीजेंसी सिचुएशन कोई ऐसी आ गई है कि इलेक्शन कराना संभव नहीं है, तो इलेक्शन डेट चेंज होती है ना। इलेक्शन डेट पहले भी चेंज हुई है, कई बार ऐसा होता है कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, उस डेट को कैंसिल कर देते हैं। तो आई थिंक ये ऑब्लिगेशन नहीं होता है शायद ये। ओके सर। एंड सर वो जो कल पूछा था सर, वो स्पीकर वाला सर, उसमें लिखा था कि स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो चाहिए सर, उसमें द देन प्रेजेंट लिखा था सर, द देन टोटल। शायद जहां तक मुझे याद है उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी लिखा हुआ है, इफेक्टिव मेजोरिटी लिखा हुआ है ना, और उसमें क्या लिखा है, द देन प्रेजेंट इन वोटिंग। सर उसमें लिखा है टोटल द देन ऐसे कुछ लिखा है सर, मैं एक मिनट पढ़ के बताता हूँ उसको। हाँ पढ़ के बताइएगा। हेलो सर। सर ये ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या होते हैं, पहले तो आप ये बताइए हमारे संविधान में क्या ट्रिब्यूनल मेंशन है नहीं, वर्ड कौन से आर्टिकल में? सर ये पता नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत देखा था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, सुना भी है, तो सर पता नहीं है ये, तभी पूछ रहा हूं। बस रेगुलर कर रहे हैं ना, वैसे तो संदीप नाम है ना आपका? यस सर। संदीप क्लास तो आप रेगुलर करते हैं? यस सर। ट्रिब्यूनल्स पढ़ाए भी हैं, बताया भी था एक बार नहीं दो बार बताया था जहाँ तक मुझे याद है। किसी और को पता है ट्रिब्यूनल्स किस में होते हैं हमारे यहाँ पर? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ट्रिब्यूनल्स बताए गए थे? आर्टिकल बता दीजिए, आर्टिकल्स क्या ट्रिब्यूनल्स का? ठीक है, कैट का आर्टिकल बताइए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का। किसी को भी याद नहीं है? पेंशन 2553। आप कैट का आर्टिकल बताइए, पेंशन 2553। देवेंद्र 1363। देवेंद्र मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आर्टिकल बताइए कैट का।
सूरज आप बताइए कैट का आर्टिकल। सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट सर। ओके ओके करंट टी 23 के हीना ने बताया ना हीना। ओके हाँ हीना बिल्कुल सही बताया है 323A कैट का है 323B का। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बेसिकली संदीप आपका सवाल था ट्रिब्यूनल कोर्ट्स किस लिए होते हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बेसिकली कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक मैटर्स को डील करते हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम हो सके और जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन के जो एक्सपर्टीज हैं वो वहां पर अपना रोल प्ले कर सके। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं ये मतलब जो कोर्ट के जो प्रोसीजर होते हैं उस प्रोसीजर को अच्छे से मतलब पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है थोड़ी कम होती है मतलब सारे कुछ जो वो चीजें जो कोर्ट में होती है उस तरह से नहीं होती है और बर्डन कम हो जाता है जुडिशरी के ऊपर जो मेन जुडिशरी ब्रांच है और इफेक्टिवली स्पीडी डिस्पोजल हो सके केस का उसके लिए ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं। तो स्पेसिफिक डोमेन के लिए जो स्पेशल जो बॉडीज हैं जुडिशरी जो एडजुडिकेशन के लिए मतलब निपटान करने के लिए विवाद को समाप्त करने के लिए उसके लिए होते हैं ट्रिब्यूनल्स। ठीक है और आर्टिकल 320 आर्टिकल 323 ही ना कौन सा संविधान संशोधन में इसको इंक्लूड किया गया 42 याद करते रहिए आप चीजें भूलिए मत। हेलो सर आप कौन बताइए। हाँ सर इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिखा है सर। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका। यस सर उसमें लक्ष्मीकांत में पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा। ओके ओके का मतलब तो वही होगा तो मतलब जो टोटल हाउस में जो मतलब जितनी सीट्स होती है ना उसका उसकी मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ जैसे 200 है और 200 में से 10 सीट है ही नहीं तो 190 जो होगा वो मतलब कंसीडर किया जाएगा। ओके थैंक यू सर। ओके और कोई क्वेश्चन। अच्छा आप ये बताइए आपने वो बुक पढ़ी है 7th क्लास की उसमें टर्म है मुविंदर मुविंदर किसे बोलते हैं। मुविंदर किसी को याद नहीं है। मुविंदर MUVENDER मुविंदर सर मुविंदर सर मुविंदर वो जो हमारा जो संगम के जो तीनों थे चोलचेरा पंड्या वो उन तीनों को मिला के मुविंदर बोलते हैं। उन तीनों को संगम लिटरेचर में संगम टेक्स्ट में मुविंदर टर्म से डिनोट किया गया मतलब मेंशन किया गया है। अच्छा ये बताइए एक डोमिंगो पेस एक फॉरनर ट्रेवलर थे फॉरनर थे जो इंडिया में आए थे कहां से आए थे। डोमिंगो पेस DOMINGO डोमिंगो PAES डोमिंगो पेस कौन से देश से आए थे। अरे प्रियंका T2648 बताइए आप। प्रियंका T2648 मेरे इसमें बच्चे कम देखते हैं सर। हेलो सर हाँ बताइए सर मैंने वो बुक भी नहीं पढ़ी है अभी 7th क्लास की। आप क्यों नहीं पढ़ रही हैं अगर आप अपनी पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे ऐसा मत पढ़िए। सॉरी सर 11th और 10th आप पढ़ चुके हैं अभी आप तो शेड्यूल को फॉलो करिए। आप देवेंद्र बताइए देवेंद्र प्रताप देवेंद्र प्रताप देवेंद्र प्रताप आपको आवाज आ रही है नहीं आपको नहीं आ रही है। करण आप बताइए मेरे इसमें 5-6 बच्चे ही दिख रहे हैं। सूरज मैं सारे बच्चों को कैसे देख सकता हूँ 41 अटेंडेंस जो है क्लास में इस टाइम।
सर अभी 37 अटेंडीज है टोटल, तो यहाँ पे सर आपके ऊपर में चैट बॉक्स के जस्ट बाजू में जो दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे सर अटेंडीज। ओके ओके। हेलो हेलो, आप देवेंद्र पिता? हाँ यस सर, यस सर, जी सर। अब बताएं वो डोमिंगो पेस एक फॉरेनर थे, कहाँ से आए थे? सर ये अभी पढ़ा नहीं सर मैंने ये वाला। कौन सी सेवंथ क्लास में पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? नहीं नहीं सर नहीं पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी, क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम बताइए। सर एक्चुअली कब क्लास अभी रेगुलर नहीं सर मैं कर पा रहा हूँ, एक तो जॉब में हूँ तो टाइम जब मिलता सर। देखिए देवेंद्र तो ऐसा मत करिए, आप अगर आप इस बार एग्जाम देंगे यूपीएससी में अपीयर होंगे इस बार? इसका स्टेट वाला सर देंगे, देवेंद्र आप म्यूट कर लीजिए। दीपा, दीपा वरुदे T2656 दीपा। यस सर। दीपा आपने सेवेंथ क्लास की बुक पढ़ ली है? नो सर। अभी नहीं पढ़ी है? नहीं सर। क्यों नहीं पढ़ी है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बट पढ़ी क्यों नहीं है, जो आपको शेड्यूल दिया है आप उसको फॉलो नहीं कर रही हैं? नहीं सर, ज्योग्राफी का पूछा मेरा। अरे ज्योग्राफी के लिए आपको अलग शेड्यूल दिया गया है ना, आप उसको तब पढ़िए अगर हो सके तो। सर वो जो शेड्यूल, हाँ बताइए दीपक, आप बताइए दीपक, आप म्यूट कर लीजिए ठीक है। शेड्यूल मुझे मिला ही नहीं, मैं कल भी बोला था तो कुछ समझ में नहीं आया शेड्यूल, जबकि मैं क्लासेस करता हूँ डेली। शेड्यूल आपकी जो आपको आपके ग्रुप के ऊपर एक एक्सेल फाइल शेयर की गई है, एक्सेल फाइल खोलिए आप, उसमें मिल जाएगा आपका शेड्यूल, आपको शेयर भी किया था कल किसी ने शायद। सर मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, आप सेंड कर देंगे पर मुझे पता नहीं है कहाँ है। सूरज आप पीडीएफ में भेजिएगा इनको ना, शायद एक्सेल फाइल खुल नहीं रही होगी। जी सर। ठीक है। जसवंत T1701 जसवंत, जसवंत मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जसवंत मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। हेलो हाँ जसवंत, आपने बुक पढ़ी सेवंथ क्लास की? सर नहीं। आप एग्जाम देंगे इस बार यूपीएससी? नहीं सर, अभी मेरी ग्रेजुएशन नहीं, अभी सेकंड ईयर है सर मैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप उसको बाद में कर सकते हैं, आप थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, पर बुक आपको हो पाएगी। ठीक है म्यूट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। संदीप आपने पढ़ी T1741? संदीप सर, संदीप बुक पढ़ी आपने? हेलो सर, हाँ पढ़ी है सर। स्पेन है क्या? डोमिंगो पेस कहाँ से आए थे? स्पेन? यस सर। नहीं स्पेन नहीं है, पुर्तगाल? पुर्तगाल सर, फ्रांस। निकोलो दुकान से कहाँ से आए थे? निकोलो सर साउथ इंडिया से आए थे सर। पुर्तगाल, पुर्तगीज? यस सर बिल्कुल सही। और ये आपके जो निकोलो दो कुंती थे वो कहाँ से आए थे संदीप? सर वो तो निकोलो डिकुना तो सर वो फ्रांस से आए थे। फ्रांस से नहीं आए सर वो, सर निकोला पूछा आपने, वो इटली से था सर। इटली से था निकोला तो, कुछ इटली से था बिल्कुल सही। देखिए आप में से काफी सारे बच्चे तो क्लासेस मतलब कर रहे हैं, पता नहीं कुछ का अभी
यूपीएससी में अपीयर होना है नहीं होना ये भी नहीं पता, बट जिनको अपीयर होना है वो अच्छे से करिए, जिनको बाद में होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से टाइम लीजिए, बट जिनको इस बार यूपीएससी में अटेम्प्ट देना है वो प्लीज अच्छे से उन बुक्स को पढ़िए। क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, कोशिश करूंगा 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के जो बुक है उन पे थोड़ा फोकस किया जाए। आप उन बुक्स को पढ़िए, कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए। अक्टूबर बैच वाले क्वालिटी की बुक क्या है सर? क्या क्वेश्चन, क्या है दो क्वेश्चन पूछने वाला से? मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, दोबारा से पूछिए प्लीज। सर हेलो सर बोलिए। सर क्वालिटी की बुक होती है 7th क्लास और 6th में? नहीं, आपका नाम क्या है? जो सर बेसिक बुक होती है ना वो वाली। नाम क्या है आपका? नाम प्रियंका। नाम प्रियंका। मैंने जो आपको एक्सेल सीट दी है ना उसके ऊपर बुक्स आपको जो जो पढ़नी है वो लिखी हुई है, उनके अलावा आप कोई बुक मत पढ़िए, पहले उनको पढ़ लीजिए। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको पढ़नी है तो आप बाकी पढ़ सकती हैं, ठीक है सर? ये मेरा सर, ये जो क्लास 8 की आपने सर हिस्ट्री की बताई है सर, उसमें आपने सर वो दो पार्ट लिखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन 8th में तो एक ही पार्ट है सर। नहीं, दो पार्ट है मेरे पास तो है 8th में सर, वो ओल्ड एनसीईआरटी है। मेरे को वेट मेरे को शायद देखना पड़ेगा फिर एक बार। ओके, हो सकता है 7th की हो, मैं देख लूंगा एक बार ना। जी सर, काफी टाइम हो गया, मुझे भी याद नहीं है, मैं उसमें देखकर ऐसे ही लिख रहा था, मैं देख के बताता हूँ आपको। 8th क्लास में एक है, दो है शायद, दो है, दो पार्ट है। अच्छा, आपको न्यू वाली नहीं, जो मतलब पुराने वाला जो वर्जन था वो करना है, नई वाली कौन सी आ गई सर? नई वाली में सेम है, बस एक जो दिल्ली वाला चैप्टर है ना, दिल्ली से रिलेटेड है वो वाला मिस था, बाकी सेम है। ठीक है, लेसन नंबर बनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक ने सर वो एक्सेल शीट कौन सी वाली कह रहे हो जिसमें बुक के नेम्स लिखे हैं, वो एक बार ग्रुप में शेयर कर देना, मेरे को तो नहीं मिला कौन सा है। कौन सा आपको वो शीट नहीं मिली, एक्सेल शीट? नो सर, नहीं सर, सर मुझे भी नहीं मिली है। आप सब ग्रुप में है ना? यस सर, ग्रुप में तो है। अक्टूबर बैच में है ना? अक्टूबर बैच मतलब सर बीपीएस करके अक्टूबर बैच करके भी एक है ना ग्रुप? नहीं, मुझे सूरज ये क्या अक्टूबर बैच कौन सा, मुझे नहीं पता सर। सर ये जो बाकी जो स्टूडेंट्स के जो कुछ सीट्स बच गए थे उनके लिए इनको अक्टूबर बैच में नए बच्चे लिए गए थे सर। अच्छा, तो प्लीज उस ग्रुप में भी शेयर कर दो ना उसको, पीडीएफ और एक्सेल दोनों। मैं बिल्कुल कर दूंगा सर। टेंशन एंड प्रियंका आपको आज मिल जाएगा, मुझे पता नहीं था आपको मतलब वो दूसरे ग्रुप में, ठीक है? तभी तो जो आप पूछ रहे हो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे, किस किस चीज का। अच्छा, यस सर। ठीक है, आपको मिल जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चन आपको करना है आप प्लीज बुक्स को पढ़िए, मुझे नहीं लगता आपकी प्रिपरेशन सही लाइन पे जा रही है, आप पढ़ रहे हैं, आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, क्वालिटी रिकॉल नहीं हो रही है, हिस्ट्री तो बहुत टाइम लगेगा आपको। और आप याद रखिए, अगर आप अभी से याद नहीं करेंगे चीजों को तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, बहुत कुछ याद करना है आपको, बहुत कुछ सीखना है अभी। हिस्ट्री में ऐसी ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी ऐसी बुक्स हैं, राइटर्स हैं, आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, डेली पढ़िए, 8-10 घंटे पढ़िए डेली, बिना 8-10 घंटे पढ़े काम नहीं चलेगा। और बाकी कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप के ऊपर। सर क्लास 8 के एनसीईआरटी से कुछ पूछिए सर। क्लास 8 के एनसीईआरटी भी मेरे पास है। अच्छा, आपने पढ़ी है? जी सर, मॉडर्न पढ़ी 8 की। ओके, अच्छा ये बताइए, जो टीपू सुल्तान मरे थे वो कौन सी बैटल में मरे थे? सर थर्ड बैटल 1799 ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। लो मैं सर थर्ड बैटल। ओके, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी कोई, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दो ट्रीटी हुई थी ना एंग्लो मैसूर वॉर में? सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ उसमें। अच्छा सॉरी, फिर मुझे पता, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या दिया हुआ है।
ठीक है, इसको मैं देखूंगा ना नेक्स्ट टाइम, आपके जो 6, 7 और 8 तीनों क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अपर पढ़िए तो सही, आप अभी 150 बच्चे होते थे, 27 बच्चे भी बच रहे हैं आपकी क्लास में, और अच्छा है जितने कम बच्चे हो अच्छा रहेगा, आपके डाउट ज्यादा क्लियर होंगे, और बाकी सब प्रिपरेशन करने सब आते हैं, पूरा कोई नहीं कर पाता, बीच में छोड़ देते हैं सब, आप प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, काफी कुछ आपको मिलेगा। बाकी कोई क्वेश्चन आपको? सर आपने लोक अदालत वाला देखा जो डाउट? कंचन आपका क्वेश्चन में भूल गया सच में, मुझे याद ही नहीं है लोक अदालत में क्या क्वेश्चन था आपका। सर लोक अदालत का जो डिसीजन फाइनल होता है वो किसी के अपील नहीं कर सकते ना, फर्दर अपील नहीं कर सकते। बस अभी इसको वेट कर दो, आपने क्वेश्चन अपने ग्रुप के ऊपर डाल दिया करें, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ क्लास के, मुझे याद नहीं रहता, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इधर उधर ऑक्यूपेशन रहता है, तो मैं इसको देख के बताता हूँ आपको। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आप ये बताइए संदीप या कंचन, आप बताइए आपको 371 ए से लेके जे तक याद है सारे आर्टिकल्स? सर किस कौन सा? हेलो, स्पेशल प्रोविजन है ना हमारे संविधान में 371, हमारे संविधान में 371 आर्टिकल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, तो उसमें कौन-कौन से स्टेट्स आते हैं स्पेशल प्रोविजन? संजीव पता है, महाराष्ट्र है पहला तो, हाँ वही महाराष्ट्र, और असम है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हाँ मीना, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, और नहीं आपको मणिपुर जैसे सारे याद हैं। 371 में महाराष्ट्र, गुजरात, 371 ए में नागालैंड, हाँ जी सर, 371 में असम, फिर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, गोवा। आप आपने किए हैं सारे? कौन बोल रहा है अभी? सर शालू बात कर रहे हैं। अच्छा ओके ओके, शालू आपने सारे किए हैं? हाँ जी सर। वेरी गुड, बाकी सब भी प्लीज करिए इनको याद, मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, किसी ने नहीं किया, उन्होंने याद किए। अच्छा ये बताइए सेवन सिस्टर जानते हैं आप? सालू सेवन सिस्टर्स हमारा ईस्ट साइड में जो सा रहा है वो सेवन सिस्टर होता है। ओके, अब ये बताइए सेवन सिस्टर में से कौन कौन से स्टेट नहीं है स्पेशल प्रोविजन में? सर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये स्टेट नहीं है, पॉपुलर स्टेट यही है ना सेवन सिस्टर? सेवन स्टेट्स तो मैं पूछ रहा हूँ जो स्पेशल प्रोविजन है हमारे संविधान के अंतर्गत, उसमें कौन कौन से सेवन सिस्टर में से कौन सा ये स्टेट नहीं है? सर ATMM सर मेघालय नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, सर नहीं पता इसको अच्छे से याद करिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से याद करिए, ठीक है? सभी आप सभी देखें, ठीक है आप सभी देखिएगा दोबारा से, खुद से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे याद करना है, याद करने का तरीका यही है, क्वेश्चन उसमें ये नहीं पूछेगा आपका इस आर्टिकल में क्या है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि स्पेशल प्रोविजंस में कौन से राज्य नहीं आते, तो आप उस तरह से इसको थोड़ा देखिएगा ना, और नेक्स्ट टाइम याद करके बताइएगा। कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना है तो आप प्लीज ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, अभी क्लास वाइंड अप करते हैं, 12:30 हो गए। और कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना है कुछ बुक से रिलेटेड कुछ भी? सर आप जो 6, 7, 8 पूछेंगे सर वो कौन से सब्जेक्ट से पूछेंगे सर? वो हिस्ट्री का ही, जो मतलब आपने पढ़ी है बुक, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी 3 बुक्स हुई हैं, मतलब जो भी बुक्स कंप्लीट की आपने वो। जी सर। और टाइमिंग मतलब कुछ टाइमिंग तो फिक्स नहीं रहेगी सर? सर कुछ बोलिए सर, पॉलिटी नहीं पूछी जाएगी? पॉलिटी तो डेली पूछते हैं जब क्लास होती है। नहीं वो हिस्ट्री वाली है 6, 7, 8। हाँ हिस्ट्री वाली, ठीक है ओके। वो शेड्यूल में आपकी जो अभी 2-3 बुक हो गई है खाली हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की पूछेंगे। पूछने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ मतलब एग्जामिनेशन हो रहा है, पूछने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, आप जो पढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं, आप उन एरियाज को
आप उन एरियाज को टच कर पा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट है या नहीं, इतना मेरा मतलब पूछने का। और किसी को एम्बेरस करना, किसी को शर्मिंदा करना, किसी की बेइज्जती करना कुछ मेरा मोटिव नहीं है। अभी कुछ दिन में फ्री हूँ, आपको सोच रहा हूँ कि जितना मतलब प्रोवाइड कर सकते हो तो प्रोवाइड कर दो। अदरवाइज आप खुद से भी मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाहें कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो वो भी चलेगा। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो मैं फिर आपको क्लास में एक दिन पूछ लूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बाय, सभी अच्छे से पढ़िए और टेस्ट रखते हैं पॉलिटी का जल्दी ही नेक्स्ट वीक। बाय। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.